PHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, BA थर्ड ईयर, चाहे आप हिस्ट्री ओनर्स आपका होगा चाहे आप BAG का होगा, दोनों के लिए सिलेबस जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा इसमें जो आपकी बुक है PHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, खास तौर से भारत का जो इतिहास है, अगर मैं आपसे बात करूं हमारा जो प्राचीन इतिहास है वहां से लेकर के और जब तक हमारे देश में अंग्रेज आते हैं वहां तक कह सकते हैं, या कह सकते हैं जितना हमारा इतिहास है प्राचीन से लेकर के कह सकते हैं कि पूरा मॉडर्न इंडिया तक करवाते हैं, तो यहां पर इतिहास लेखन कैसे किया गया है पूरी बुक उसी पर बेस है, ठीक है। अगर मैं इस पूरी बुक की बात करूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे टोटल आपको 8 ब्लॉक दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं 8 ब्लॉक की बात करूं तो अगर पूरे के पूरे अगर आप जैसे मैं अगर ब्लॉक की टेबल मैं अगर बताऊंगा तो ब्लॉक की टेबल में देखिएगा सबसे पहले यहां पर देखिएगा क्या बताया गया, 8 ब्लॉक दिए गए लगभग। अगर आपकी बुक में कितने चैप्टर हैं, यहां पर 20 चैप्टर बताए गए हैं, ठीक है। और ये हमारी पहली क्लास है या पहली वीडियो जान लीजिए, ठीक है। इसमें एक काम करूँगा आपको जो मैं क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 20 से मैं स्टार्ट करूँगा, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्लास स्टार्ट नहीं होगी बल्कि मैं आपको पीछे से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यानी मैं चैप्टर नंबर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 यानी उल्टी गिनती से पूरी एक क्लास चलेगी, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट होगा उसको हम बिल्कुल लास्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि पीछे से अगर हम स्टार्ट करें क्योंकि थोड़ा ईजी सिलेबस है और यहाँ से मुझे लगता है आपको समझाने में ज़्यादा आप समझ पाएंगे खास तौर से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जैसे बात करूँ चैप्टर नंबर 20 हो, 18 हो, या लास्ट के जो चार चैप्टर हैं इसमें से दो क्वेश्चन तो कम से कम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, यानी 30 नंबर तो ईजी से आपके बन जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। और चैप्टर नंबर 20 से मैं क्लासें पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 क्या है, इतिहास लेखन में उभरते विषय, यानी भारत में जो इतिहास लेखन है उसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो नए उभर करके हमारे सामने आ रहे हैं। खास तौर से अगर मैं जैसे बात करूं तो सबसे पहले आप 20.4 में देखेंगे स्त्रियों का इतिहास, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्त्रियों के इतिहास में बात करता हूँ किस हिसाब से रहा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो स्त्री इतिहास हमें बताता है कि अभी तक जितना इतिहास लिखा गया है उसमें पुरुष वर्चस्व हमें दिखाई पड़ता है, यानी इतिहास जो लेखन किया गया है वह स्त्रियों को केंद्र में रख करके नहीं किया गया है। यानी अगर मैं बोलूं तो लैंगिकता जो है, यानी इतिहास लेखन में अगर आप देखेंगे तो हमें पुरुषों का वर्चस्व दिखाई देता है, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है हमें वो दिखाई देती है, यानी खास तौर से स्त्रियों को केंद्र में रख करके इतिहास लेखन बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूँ तो हमारा पूरा जो अगर प्राचीन इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे जहाँ से हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें स्त्रियों के इतिहास को लेकर के या जिस प्रकार से स्त्रियों के इतिहास को लेकर के भारत में लिखा जाना चाहिए था वैसा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन स्त्रियों के साथ हम क्या देखते हैं, भेदभाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल से ही अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों के बारे में आप देखेंगे तो समाज में उनको ना तो शिक्षा का अधिकार है, न तो पूजा पाठ में उनका किसी प्रकार का अधिकार हमें दिखाई पड़ता है। यानी स्त्रियों को अगर मैं केंद्र में रख करके बात करूं तो हमें किसी भी इतिहासकार हमें नहीं दिखता है जो महिलाओं को लेकर के मुखर रूप से बातें करता हो, ठीक है। और प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर के हम बात करें तो मध्यकाल में जो देखेंगे तो मध्यकाल में स्त्रियों की जो स्थिति है वह हमें थोड़ा सही दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं पूरे इतिहास की बात करूँ तो प्राचीन काल से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक अगर आप देखेंगे अंग्रेज आने तक तो महिला इतिहास के बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेखन नहीं किया गया था। खास तौर से हमारा जो समाज है कैसा है, पितृसत्तात्मक है और पूरे इतिहास में हमें पितृसत्तात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी स्त्रियों की भूमिका को हमारा समाज बिल्कुल कमतर आंकता है, यानी महिला जो है उसके इतिहासकारों ने इसको क्या माना है, बिल्कुल कम आंका है। यानी उसमें किसी प्रकार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है या स्त्रियों के जो संघर्ष है उसको भी अगर आप देखेंगे इतिहासकार बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनमें हमें पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका वर्चस्व दिखाई देता है। अगर मैं जैसे बात करूं जानकी नैयर, महिलाओं को लेकर के इतिहास में बात करती, नाम याद रखना इनका क्या है भाई, जानकी नैयर। जानकी नैयर कहती हैं कि जैसे महिला कार्यकर्ता, लेखिका, सामाजिक सुधारों में, आत्मकथाओं में जैसे नए नए अन्वेक्षण हो रहे हैं
प्राचीन और अगर मैं मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो यहां पर लैंगिकता को लेकर के, यानी स्त्री पुरुष जो समाज में जो स्त्री पुरुष हैं उनके साथ जो भेदभाव, हम उसके जरिए समझ सकते हैं। अगर मैं स्त्रियों के इतिहास के शोध की बात करूं तो स्त्रियों का जो इतिहास है, खासतौर से अगर आप देखेंगे स्त्री इतिहास में जो आंदोलन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन किए हैं, खासतौर से इतिहास लेखन में देखेंगे जैसे पंडित रामाबाई, लक्ष्मीबाई तिलक, ताराबाई शिंदे से हमें देखते हैं, उनकी आत्मकथाओं संस्मरणों में हमें इतिहास लेखन में महिलाओं को लेकर के हमें कुछ स्त्रीवादी इतिहासकार हमें दिखाई देते हैं जो महिलाओं की गौरवशाली उच्च स्थिति तक सीमित कर देते हैं। यानी कुछ ही ऐसे इतिहासकार हैं, खास तौर से जो महिला इतिहासकार हैं, जिन्होंने महिलाओं के आंदोलनों के बारे में लिखा है। और खास तौर से अगर मैं देखूं पूरे इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में महिलाओं को कमतर आंकता है, यानी पुरुषों के बराबर मानता नहीं कि उनमें भी, और पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे तो महिला सिर्फ क्या है, पुरुष के अकॉर्डिंग है। यानी कह सकते हैं कि वो काम भी बहुत बड़े नहीं करती है, शासन प्रशासन में भी उसको उस प्रकार से हमें कहीं ज़्यादा महिलाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, बहुत ही कम तरह का है। और इतिहासकार तो बिल्कुल ही हमें उनको नज़रअंदाज करते हैं, इतिहासकारों ने महिलाओं पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। दूसरा, लैंगिक इतिहास की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी बनाता कि जब इतिहास व्यक्तियों का बखान से मात्र होने से आगे बढ़ता है तो इतिहासकार उन संस्थाओं और रचनाओं का विश्लेषण करते हैं। देखो इतिहास में हमें ज़्यादातर क्या है, बखान मिलते हैं, भाई बड़ाई होती है। इतिहास में क्या किया जाता है, फलाना राजा ऐसा था, फलाना राजा वैसा था, ये पराक्रमी था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बखान होता है। तो महिलाओं के पराक्रम को इतिहासकारों ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, साइड कर दिया है, या महिलाओं के इतिहास को इतिहासकारों ने बिल्कुल कमतर आंका है, यानी उतना नहीं महत्व नहीं देते हैं इतिहासकार, खासतौर से कोई भी इतिहासकार रहा हो। यानी पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका हमें प्रधानता दिखाई देती है, और स्त्री इतिहास लेखन में इतिहासकार हमें उदासीन दिखाई पड़ते हैं, यानी उसमें उनको कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्त्रियों में जैसे सत्ता है, अधिकार है या बहिष्कार है, इनकी जो नियुक्ति है इसकी संभावनाओं को हमें बहुत कम बढ़ाता है। अगर मैं बात करूँ जैसे आप देखेंगे वैदिक काल में राजतंत्र था, तो उस राजतंत्र में जैसे अनुष्ठान है, पूजा पाठ होते थे, इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो योगदान था उस योगदान को भी इतिहासकारों ने बिल्कुल क्या कर दिया है, साइड कर दिया। यानी महिलाएं अगर आप देखेंगे महिलाएं ज़्यादातर क्या करती थी, घरेलू काम करती थी या उत्पादन में महिलाओं की भूमिका थी, लेकिन इतिहासकारों ने उसको दिखाने की नहीं कोशिश की है। भारत का जो प्राचीन इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर लैंगिकता कोई कारण कह सकते हैं कि हमें काफ़ी भेदभाव दिखाई पड़ता है। ये सारा जो भेदभाव है इतिहासकारों ने किया है, यानी वो महिलाओं को कमतर आंकते हैं, पितृसत्तात्मक प्रधान हमारा समाज है, और महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं ज़्यादातर घरों में कार्य करती थी, जैसे छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना हो गया, या कह सकते हैं कि अगर वो कृषि में भी काम करती थी तो कृषि में वही काम करती थी जो थोड़ा ईजी रहते थे, जो ज़्यादा जो मेहनत वाले काम होते कौन करता था, पुरुष करते थे। महिलाएं सामान्यतः घरों तक ही लिमिटेड हमें दिखाई देती, चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो भाषा, संपत्ति, विरासत, उत्तराधिकार, शाही परिवारों की बहुविवाह आधारित इत्यादि हमें लैंगिकता के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूँ मध्यकाल में जैसे संपत्ति का अधिकार हो तो महिला को ना तो संपत्ति का अधिकार हमें दिखाई देता है, ना तो उसको विरासत का अधिकार है, ना तो उसको उत्तराधिकार का अधिकार हमें दिखाई देता है। इस संबंध में इतिहास में हमें लैंगिकता के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो यहां पर महिला आंदोलन हमें काफ़ी दिखाई देते हैं। अगर जब अंग्रेज आते हैं उस समय से कह सकते हैं इतिहास लेखन में अगर आप देखोगे तो महिलाओं की स्थिति हमें थोड़ा बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि जो भी महिलाओं ने आंदोलन किए थे इतिहासकारों ने उनको लिखने का प्रयास किया है, यानी जो महिलाओं की आवाज़ उठाए हैं या जो संघर्ष हुए हैं इनको, इन पर काफ़ी शोध हुआ है। जैसे अगर बात करूँ जब अंग्रेज आती है, आपको सबको पता कि जैसे सती प्रथा का कानून आता है, ठीक है, उसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह हो जाता है, यानी जो विधवाएं होती थी भाई दोबारा शादी कर सकती थी, इस प्रकार के, यानी स्त्रियों को देखोगे तो कानूनों से वंचित रखा गया है, स्त्रियों को किसी प्रकार के भूमि का अधिकार हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए इतिहासकार जो है स्त्रियों को भी साइड करते हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी इतिहास को उतना है। लेकिन जब अंग्रेज आते आप सबको पता कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, खासतौर से अगर आप देखेंगे जैसे सती प्रथा है बंद हो जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह आरंभ हो जाता है। महिलाओं की स्थिति अगर आप देखेंगे जो हमारा
औधनिक इतिहास है वहाँ पर उनकी स्थिति थोड़ी हमें बेहतर दिखाई देती है, और यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो महिलाओं के जो इतिहास लेखन है उसमें थोड़ा सा हमें रुझान दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन काल का इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, वहाँ पर इतिहासकार बिल्कुल महिलाओं को साइड करते हुए नज़र आते हैं, यानी उनके लेखन में महिला आवाज़ या महिलाओं के बारे में हमें वैसा लेखन नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करूँ तो जैसे जो हमारा जो अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है अगर आप उसमें देखेंगे तो महिलाओं की शिक्षा हो, राजनीति हो, मीडिया हो, संस्कृति हो, कला हो आदि क्षेत्रों में उनकी भूमिकाएं हमें मुखर रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जैसे आप देखोगे कि भाई आने वाले समय में देखा होगा कि महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया जो विधानसभा में दिया सॉरी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं और जो हमारा शहरी प्रशासन है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला है। यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद अगर देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता। यानी अब इतिहास में देखेंगे तो महिला यानी इतिहास लेखन में अब ज़्यादातर जो इतिहास हैं वो महिलाओं के अकॉर्डिंग भी इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं, पहले जो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई नहीं पड़ता। प्राचीन काल का जो पूरा इतिहास है वहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल साइड कर दिया गया था, इतिहासकार बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते थे उन पर। मध्यकाल की अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो मध्यकाल में भी स्त्रियों को खास तौर से घरों तक लिमिटेड कर दिया गया था, या उत्पादन में अगर महिलाएँ काम कर रही थी उनको बड़ा कमतर आंका जाता था, या हमें लैंगिकता यानी भेदभाव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इतिहासकार पूरा पितृसत्तात्मक प्रधान को लेकर के चलते हैं और महिलाओं के इतिहास को बिल्कुल हमें नज़रअंदाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब आधुनिक इतिहास की हम बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास में खास तौर से जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर बनती है या महिलाओं को लेकर के कानून आते हैं तब इतिहासकारों में महिला इतिहास लेखन को लेकर के हमें थोड़ा रुझान दिखाई पड़ता है। कुछ इतिहासकार जो होंगे वो महिलाओं की स्थिति को लेकर के भी बातें करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो महिला इतिहास लेखन पर काफ़ी लेखन किया जा रहा है, लेकिन प्राचीन काल मध्यकाल में अगर हम बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के इतिहास को लेकर के हमें जो इतिहास लेखना है बिल्कुल शून्य दिखाई पड़ता है। इतिहासकार महिलाओं को बिल्कुल कमतर आंकते हैं या उनको जिस प्रकार से उनका महत्व इतिहास लेखन में हमें दिखाई पड़ना था वह नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं, यानी उनको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हेलो, देखिएगा श्रम इतिहास यानी लेबर हिस्ट्री क्या, अगर हम इतिहास की बात करें तो अगर आप उसमें देखेंगे जो श्रम है, जो मेहनत है, खास तौर से जो उत्पादन है उस पर इतिहास लेखन कैसे किया गया, यानी जो श्रमिक होते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, उसमें इतिहासकार क्या कहते हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो भारत में श्रम इतिहास जो है 20वीं शताब्दी से शुरू किया गया, यानी 20वीं शताब्दी से पहले अगर देखेंगे तो भारत में श्रम इतिहास नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, और जब 20वीं शताब्दी में श्रम इतिहास लिखा गया तो वहाँ पर जैसे व्यापार संघ थे, जो व्यापार करते थे, जो ट्रेड करते थे, इनके बारे में लिखा जा रहा था। राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े जो कार्यकर्ता थे, जो भारतीय समूह पूंजीवादी और औपनिवेशिक गठबंधन का विरोध करते थे, इस समूह के कई लोग कामगार वर्ग और राष्ट्रवादी विरोधों और व्यापार संघों की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। देखो, अगर मैं श्रम इतिहास की बात करूं तो भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो वहां पर अगर आप देखोगे जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय आंदोलन से जो अगर आप देखेंगे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे जुड़ते हैं। काफ़ी लोग इसका विरोध करते हैं। अगर मैं गांधी की बात करूं तो गांधी भी देखो कि कई सारे इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति हैं उनके साथ आंदोलन जुड़े हुए हैं। यानी काफ़ी इतिहासकार जो हैं इसका विरोध करते हैं कि आप जो खास तौर से जो उद्योगपति वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है उसको बेहतर अच्छा नहीं मानते हैं या उसको लेकर के वो बातें करते हैं, यानी पूंजीवादी इतिहास की थोड़ा बात करते हैं और कहते हैं भारत में श्रमिकों की शुरुआती लेखन पर कामगारों में चल रहे संघर्षों की सूचना भागीदारी की टिप्पणी की जाती है। यानी भारत में जो अगर शुरुआती श्रम इतिहास लेखन है जो यानी जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें किस प्रकार से संघर्ष हैं, खास तौर से अगर मैं संघर्ष की बात करूँ, यानी भाई अगर आप श्रम में देखोगे तो जो अगर आप देखोगे जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है और जो वहाँ पर मजदूर है, यानी कंपनी का जो मालिक है और जो मजदूर है, यानी कह सकते जो श्रमिक है, जो काम कर रहा है, जो लेबर है, इसके जो संघर्ष है उस संघर्ष को इतिहासकारों ने लिखने का काम किया है, या कह सकते कि इनकी जो भागीदारी है,
यानी कह सकते हैं कि जो मजदूर है, जो कामगार है, उसका श्रम यानी उत्पादन में कितनी भागीदारी है, इसको भी लिखने का काम किया गया। खासतौर से जो व्यापार संघ के नेता होते थे, इनके बारे में भी इतिहासकारों ने लिखा। व्यापार संघ के नेता का मतलब जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, जो माल इधर से उधर आता जाता था, इसके बारे में भी इतिहास लेखन में हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर अगर बात करूँ, जैसे श्रम की समिति है, इसकी गतिशीलता कैसे थी, जैसे भाई आपने देखा कि जैसे मार्केट है, जैसे मंडी है, वहाँ पर जो श्रम है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसकी गतिशीलता कैसे है। जैसे व्यापार संघ है, व्यापार संघ के बारे में इतिहास लेखन किया गया। खास तौर से अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो निम्न उत्पादकता यानी श्रमिकों के बारे में देखोगे तो इनको निम्न माना जाता था। थोड़ा बहुत कामगार वर्ग के जीवन स्तर को परिस्थितियों को केंद्र में रखा गया। यानी अगर आप देखेंगे तो इतिहास लेखन में जो श्रम है, श्रम इतिहास है, उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन बहुत कम लिखा गया जितना लिखा जाना चाहिए। यानी मजदूर, खास तौर से मैं बोलूँ, देखो इतिहास लेखन में जो श्रम इतिहास है उसमें हम किसकी बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो जो व्यापारी हम उसकी बात करते हैं, या जो व्यापारी संघ हम उसकी बात करते हैं, व्यापारी संघ में जो नेता होते थे, या जो व्यापारी संघ का अध्यक्ष होता था, जो पूरा ट्रेड होती थी, ट्रेड के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन यानी जो मजदूर था, जो श्रमिक था, उसके बारे में अगर देखेंगे तो बहुत कम लिखा गया। 1930 के शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो मंदी आती है, कामगार वर्ग के हालात पर भी लेखन किया गया। 1930 में आप सबको पता कि पूरे दुनिया में मंदी छाती है, और मंदी में अगर आप देखेंगे जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उसके बारे में तो इतिहास में हमें दिखाई पड़ता है। कामगारों पर अगर बात करें तो यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी जो इतिहास लेखन करते हैं, और श्रमिकों के इतिहास लेखन को उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। भारत में देखोगे तो पूर्व पूंजीवादी जो व्यवस्था रही उसमें अगर बात करूँगा, खास तौर से जो अगर देखोगे मजदूरों को लेकर के, श्रम इतिहास को लेकर के, जब से मार्क्सवादी विचार आया है, क्योंकि मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है किसकी बात करता है, कार्ल मार्क्स तो भाई मजदूरों की बात करता है, तो कार्ल मार्क्स की जब थ्योरी आई है, और कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी ने क्या किया है, खास तौर से इतिहासकारों का एक जो रुझान है, एक जो धारा है, जो मार्क्स मार्क्स को मानते हैं, या जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वह जो मजदूर है, या जो कह सकते हैं जो श्रमिक का संघर्ष है, उसको हमें यहाँ पर लेखन दिखाई पड़ता है। संगठित श्रम पर केंद्रित ध्यान लगा करके कामगारों के जन विशाल संख्या को अपनाने का विवरण हमें कहीं कहीं पर मिलता है। श्रमिक इतिहास की अगर बात करूँ तो इसकी प्रखर आलोचना भी की गई है। श्रम इतिहास में एक अगर देखोगे तो काफ़ी इसमें जो लेखन किया गया है, देखो श्रमिक इतिहास की अगर बात करूँ, जब से अगर आप देखोगे, जब से कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी जो मजदूरों की बात करता था और मजदूरों को जो आह्वान करता था, वहाँ से श्रमिक इतिहास लेखन किया गया। और भारत में जो श्रम इतिहास है 20वीं शताब्दी में लिखा गया। लेकिन अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूँ या मध्यकालीन इतिहास की बात करूँ, हम तो वहाँ पर व्यापारियों की बात करते हैं, लेकिन जो मजदूर है, जो कामगार है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार संघ हैं, जो लोग ट्रेड में काम करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। यानी हम जो खास तौर से अगर आप जो प्रोडक्शन है, मूड ऑफ प्रोडक्शन, हम उसकी बात तो नहीं करते हैं। सिर्फ जो हमारे व्यापार को लेकर के जो बड़े बड़े देखोगे, जो बड़े बड़े केंद्र बन गए थे, जो व्यापार संघ कहे हैं, व्यापार संघ कैसे होता था, यानी हम व्यापार की बात करते हैं, लेकिन हम श्रम की बात नहीं करते हैं। ध्यान सुना मैं क्या बोला, मैं कह रहा हूँ कि इतिहास लेखन जो भारत में किया गया है वो किसकी बात करता है, वो श्रम की बात नहीं करता, बल्कि जो ट्रेड होती थी, जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी, जो श्रमिक कह सकते कि अगर जो देखोगे जो व्यापारिक संघ होते थे, जैसे मंडी है, मंडी में कैसे ट्रेड होती थी, कैसे व्यापार होता था, इसकी बात किया जाता है। लेकिन जो मजदूरों की मेहनत थी या मजदूरों की जो आवाज़ थी, वो हमें श्रम इतिहास में नहीं दिखाई पड़ती है। और जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है और कह सकते 20वीं शताब्दी में है, हमें श्रम इतिहास दिखाई पड़ता। और भारत का जो श्रम इतिहास है, अगर आप उसको देखेंगे, खास तौर से हम व्यापारी की बात करते हैं, व्यापारी संघों की बात करते हैं, या जो व्यापारी प्रधान होते थे, व्यापार कैसे होता था, हम व्यापार की बात करते हैं, लेकिन हम जो मजदूर है, जो कामगार है, हम उसको नहीं बात करते हैं। और ख़ास तौर से जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी, तब श्रम इतिहास को लिखने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम सिर्फ व्यापारी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन जो आदमी पसीना बहा रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, हम उसकी बात नहीं करते। खास तौर से भारतीय इतिहास लेखन में अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ व्यापारिक संघों की बात करते हैं, व्यापारी कैसे थे, अलग अलग प्रकार के व्यापारी, आंतरिक व्यापार कैसे होता था, बाह्य व्यापार कैसे होता था, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो 8 घंटे काम करता था, जो खून पसीना अपना बहाता था,
उसका इतिहास लेखन में बिल्कुल पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे उसको नजरअंदाज कर दिया है। सिर्फ हम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, व्यापारी संघों की बात करते हैं, मेहनत जो कामगार व्यक्ति है उसका जो श्रम है हम उसकी बात नहीं करते। खास तौर से इतिहास लेखन भारत में ऐसा ही रहा है। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आता है तब अगर थोड़ोगे तो जो मेहनत है, मजदूरी है, जो श्रमिक का जो आवाज़ है, जो कह सकते जो जो मजदूर है या जो कंपनियों में काम करने वाला व्यक्ति है, उस इतिहास लेखन पर खास तौर से कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है। उसके बाद भारत में श्रम इतिहास लिखा गया था। लेकिन हम उसमें भी श्रम इतिहास में सिर्फ हम व्यापारी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते थे, प्रोडक्शन कैसे होता था, यानी जो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ हम व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, आंतरिक व्यापार कैसे होता था, बाह्य व्यापार कैसे होता था, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। जो चैप्टर है देखिएगा पर्यावरणीय इतिहास। तो अगर मैं पर्यावरण की इतिहास की बात करूँ, चाहे हमारा प्राचीन इतिहास हो, चाहे हमारा मध्यकाल का इतिहास हो, चाहे हमारा आधुनिक इतिहास हो, अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूँ तो वहाँ पर पर्यावरण के बारे में तो खूब बातें की जाती हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी इतिहास लेखन किया गया है। जैसे आप सबको पता होगा कि हमने भाई वृक्ष की हम लोग पूजा करते थे, नदियों को हमने देवता माना है या देवी माना है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर वृक्ष की पूजा की जाती थी, जो हमारी नदियाँ होती नदियों को पूजा जाता था। ठीक है, वृक्षों की पूजा है या यानी इन्वायरमेंट को अगर आप देखोगे, हमारा चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे हमारा मध्यकालीन इतिहास हो, पर्यावरण को लेकर के जागरूकता हमेशा रही है। अगर आप देखेंगे खासतौर से जो हमारे जीव हैं, वनस्पति है, जलवायु है, इतिहास लेखन में इसकी तो खूब सारी बातें की जाती है। वैसे अगर मैं आपको सबको बताऊं, आप सबको तो पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो खेती होती थी, जो खेती अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे तो हम लोग क्या मौसम को देख करके ही खेती करते थे, पर्यावरण को देख करके ही खेती की जाती थी। जब बारिश ज़्यादा होती थी तब क्या करते थे, तब भाई किसान फसल उगाता था। हम लोग तो क्या कैसे करने वाले होगा, हम लोग तो इन्वायरमेंट को देख करके यानी वर्षा पर ही तो हमारी पूरी खेती होती थी। उसी प्रकार से अगर आप पूरा प्राचीन इतिहास को उठाकर देखेंगे, चाहे हमारी जो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर आप सबने पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या है, वृक्ष की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है ना। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पेड़ों की पूजा की जा रही थी, जीवों की पूजा की जा रही थी। तो क्या है, यही पर्यावरण इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट को लेकर के भारत में अगर आप देखेंगे खास तौर से जागरूकता रही है। इतिहासकारों ने खास तौर से अगर आप देखेंगे जो पर्यावरण इतिहास है वो तो लिखा है। अगर मैं मध्यकाल की बात करूँ तो मध्यकाल में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इतिहास लेखन रहा है वहाँ पर भी देखोगे तो राजा महाराजा कोई भी शासक राज, चाहे हमारा मुगल साम्राज्य रहा हो चाहे दिल्ली सल्तनत रही, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बात करूँ तो पूरा एग्रीकल्चर से जो देखो इन्वायरमेंट को लेकर के तो काफ़ी जागरूकता हमें भारत में दिखाई देती है, खास तौर से इतिहास लेखन में हमें दिखता है। आप वैदिक सभ्यता को उठा करके पढ़ो, जो हमारी वैदिक सभ्यता है और जो हमारी सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता में इन्वायरमेंट की कितनी बातें की गई हैं। खास तौर से हमारी जो खेती होती थी उसमें हमने बात की है ना भाई, उत्पादन प्रणाली में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में एग्रीकल्चर बेस रहा ही, भारत क्या एग्रीकल्चर बेस है और एग्रीकल्चर बेस में इन्वायरमेंट का तो काफ़ी योगदान है। वर्षा पर तो हमारी पूरी खेती डिपेंड करती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो पर्यावरण इतिहास है वह लेखन तो हमेशा से ही होता रहा है। ठीक है, खास तौर से देखोगे तो हमारी जितनी सभ्यताएँ हैं नदियों के किनारे बसी हैं, खासतौर से जो पूरा महाजनपद है वो कहाँ पर, गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उसकी बसावट है। वृक्ष की पूजा होती थी, वनों की पूजा होती थी, जंगलों की पूजा होती थी, उसी प्रकार से हम लोग भूमि की पूजा करते हैं। ये क्या बताती है, ये यही बताता है कि भारत में इन्वायरमेंट को लेकर के एक जागरूकता हमेशा रही है। और इतिहास लेखन में देखेंगे तो पर्यावरण को लेकर के इतिहास लेखन हमेशा रहा। उसी प्रकार से अगर जैसे मैंने मध्यकाल की बात की तो मध्यकाल में भी अगर आप देखोगे तो तमाम तरह से देखोगे नहरों की खुदाई की जाती है, पेड़ों की भी आप देखोगे तो पेड़ों को काटा नहीं जाता बल्कि वृक्षों की लेकर के अगर आप देखेंगे तो जैसे लकड़ियाँ इनको तो काम होता था। दूसरा अगर मैं मध्यकाल की बात करूँ तो एग्रीकल्चर के लिए जैसे पानी है, पानी की व्यवस्था राजाओं के द्वारा की जाती है। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट लेकर के भारतीय जो इतिहास लेखन है इन्वायरमेंट को लेकर के हमें जागरूकता दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर तो हमें बहुत जागरूकता दिखाई देती है। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं तब वहाँ से अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट अंग्रेज हमारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। खासतौर से अगर आप देखेंगे जब यहाँ पर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जाती है तो यहाँ पर देखोगे जो हमारे जीव हैं, वनस्पति हैं इत्यादि पर लेखन तो किया गया, लेकिन जैसे यहाँ पर
आप देखेंगे जब अंग्रेज आते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से पर्यावरण का दोहन बहुत ज़्यादा हमें होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो यहाँ से जैसे वृक्षों की कटाई खूब बड़ी संख्या में की जाती है, क्योंकि पहले जो जंगल होते थे उस पर किसका अधिकार था, राज्य का अधिकार था, तो राज्य जंगलों को बचाने का काम करता था या इन्वायरमेंट को बचाता था। लेकिन जब हमारे देश में औपनिवेशिक शासनकाल आया तो औपनिवेशिक शासनकाल में हमें क्या दिखाई पड़ता है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, अपने फायदे के लिए करते हैं। ऐसे कहता कि भारत में जो पर्यावरण इतिहास है और जो पूरा इन्वायरमेंट है खराब होता है, यानी वो अपने फायदे के लिए वो पूरा काम कर रहे थे। इसलिए आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आधुनिक इतिहास है वहाँ पर अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो हमारा पर्यावरण इतिहास तो किया गया है, लेकिन इतिहास लिखना है, लेकिन वहाँ पर एक शोषणकारी है, क्योंकि जो बाहरी शक्ति है, जो कह सकते हैं जो ब्रिटिश शक्ति है, जो आप कह सकते हैं जो औपनिवेशिक काल है, वहाँ पर हमारा जो पर्यावरण उसका बहुत ज़्यादा दोहन भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस बात को सारे इतिहासकार लिखते हैं, इन्वायरमेंट की अगर बात करूँ, किसी भी हिस्टोरिकन को अगर आप उठा करके देखेंगे तो यही बताता है कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज है उसका पूरा शोषण कर रहे हैं। और इस बात को हर इतिहासकारों ने बिल्कुल लिखने का बात किया, यानी इन्वायरमेंट को लेकर के अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो चाहे हमारा आधुनिक इतिहास हो, यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के तो काफ़ी जागरूकता रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, वृक्षों की पूजा होना, नदी की पूजा होना, वर्षा का तो इंद्र को हमने देवता मान रखा है, ये क्या चीज़ें बताती है कि भारत में पर्यावरण को लेकर के हमेशा जागरूकता ही रही है। और दूसरा, भारत का एग्रीकल्चर बेस है, हमारा जो पूरा उत्पादन है किस पर निर्भर करता है, भाई पर्यावरण पर निर्भर करता है। भारत में तो लोग, जैसे आप सबने सुना होगा कि अगर कोई हवा चलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि हवा हमारे जो खेती है उसके लिए नुकसानदेह है, आप सबने सुना। यानी एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट का बड़ा रोल है, और पूरे इतिहास लेखन में जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंट को लेकर के हमेशा जागरूकता हमें दिखाई पड़ती है। इन्वायरमेंट को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए थी वह हमें बहुत मुखर तौर से हमें यहाँ पर दिखती है। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि जब भारत में उपनिवेशवाद आया तब से प्रकृति पर्यावरण को ध्वस्त कर दिया, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन आता है तब भारत में जो पर्यावरण था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता, ख़त्म हो जाता है, इसका शासन का प्रतिरोध में निकलता है। अगर देखो अंग्रेज पूरी तरीके से हमारा जो आप देखें इन्वायरमेंट को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं जिससे क्या होता है कि इसका प्रतिरोध भी होता है। इस अर्थ में उपनिवेशवाद जो हमारे यहाँ पर था वहाँ पर रूमानी अतीत को एक ललकार नज़र आती है और ध्वस्तता न्यूनतम था। गुहा अपने इस विचार को कहते हैं और अपनी बुक में लिखता है कि बहुत हद तक अगर आप देखेंगे जो हमारी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी या वो उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को ध्वस्त कर दिया, और जो हमारा एग्रीकल्चर बेस है उसको कितना नुकसान पहुंचता है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट तो बचा ही नहीं। आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो अंग्रेज शासनकाल में एग्रीकल्चर पूरा कोलैप्स कर गया है। अगर मैं बात करूँ औपनिवेशिक काल में एग्रीकल्चर बेस हमारा भारत का बिल्कुल, कई सारे इतिहासकार तो ये आरोप लगाते हैं कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते, अगर अंग्रेजों ने भारत का शोषण नहीं किया तो भारत बहुत आगे होता, क्या था, हम तो बहुत तरक्की कर रहे थे। कई सारे इतिहासकार, अभी मैं आपको जब अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे इतिहासकारों के लेकर के औपनिवेशिक इतिहासकार राष्ट्रवादी और मार्क्सवादियों में पढ़ेंगे, और वहाँ पर कई सारे इतिहासकार बिल्कुल आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अगर भारत में औपनिवेशिक सत्ता अगर नहीं आई होती तो भारत बहुत आगे होता, हमारे यहाँ पर क्रांति हो गई होती, हमारी अर्थव्यवस्था शायद बहुत अच्छी होती। ठीक है, ये इतिहासकार कह रहे हैं भाई, ठीक है, इतिहास कर रहे हैं। इतिहास देखो, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो क्या करें, राष्ट्रवादी इतिहासकार यही कहता है कि भारत में अगर अंग्रेजी सत्ता नहीं कायम हुई होती तो मध्यकाल में हम बहुत तरक्की कर रहे थे, अगर हम यानी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। मध्यकाल में जितने हिस्टोरिकन हैं वही करें, और मध्यकाल में को लेकर के जितने राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो पूरे आरोप लगाते हैं कि अगर भारत में अंग्रेज नहीं आए होते तब भारत बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होता, शायद हम ब्रिटेन से भी आगे चले गए होते। इस प्रकार के आरोप जितने भी नेशनलिस्ट हिस्टोरिकन हैं सारे आरोप लगाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज आने से भारत में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार से वनों का दोहन किया है, जिस प्रकार से जंगलों का काटा है, इससे क्या हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है खराब हो गया है। यानी कह सकते भारत में देखोगे इतिहास लेखन में पर्यावरण हमेशा हावी रहा हो, चाहे हमारा प्राचीन इतिहास हो चाहे हमारा मध्यकालीन इतिहास हो,
इसमें इतिहास लेखन हमेशा रहा, यानी इन्वायरमेंट को लेकर के भारत में हमेशा जागरूकता रही और इतिहासकारों ने खास तौर से अगर आप देखेंगे तो इतिहास लेखन में इन्वायरमेंट हमेशा दिखा, क्योंकि हमारा पूरा एग्रीकल्चर बेस है, कृषि आधारित हमारा समाज था और एग्रीकल्चर बेस में आप यानी कृषि में आप सबको पता कि जो इन्वायरमेंट है उसका बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं इतिहास लेखन में जो पर्यावरणीय इतिहास है आप इसी को पॉइंट बना करके आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 औपनिवेशिक इतिहास लेखन, और इस चैप्टर से पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहले उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, भारत में इतिहास लेखन की कभी कोई परंपरा नहीं रही है, ठीक है। भारत में अगर बात करूँ, चाहे भारत में जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत में इतिहास कभी लिखा नहीं गया था, ठीक है। पहली बात तो ये, भारत में इतिहास कभी लिखा नहीं जा रहा था या कोई हमारी परंपरा नहीं थी इतिहास लेखन की। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो उनको यहाँ पर शासन करना था, प्रशासन चलाना था, उनको यहाँ पर सरकार स्थापित करनी थी और उनको भारत के लोगों के बारे में जानकारी चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन उनको खूब सारी चाहिए थी। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, भारत का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। भारत में इतिहास जो लिखना स्टार्ट हुआ है वो अंग्रेजों ने किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक इतिहासकार। औपनिवेशिक इतिहासकार का मतलब होता है कि जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं। यहाँ पर मैं एक शब्द बोलूँगा, कई बार अगर मैं औपनिवेशिक इतिहासकार ना बोलूँ उसके जगह पर मैं अंग्रेजी इतिहासकार बोल दूंगा, ठीक है। तो मतलब वही रहेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो, भारत में कभी भी इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। भारत पर अंग्रेजों का शासन आता है और भारत को अंग्रेज जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे भैया पूजा पाठ कैसे हैं, हमारे धर्म कैसे हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, इसको जानने के लिए इतिहास लेखन शुरू किया जाता है, ठीक है। और जब भारत का इतिहास लेखन अंग्रेज शुरू करते हैं तो अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखा है, और अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा है उसमें एक प्रकार से उन्होंने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुराई की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत में इतिहास लेखन की कभी कोई परंपरा नहीं थी, भारत के जो लोग हैं बड़े पिछड़े लोग हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं जाहिल टाइप के लोग हैं, ये अज्ञानता से भरे हुए लोग हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। खास तौर से अगर आप देखोगे तो एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिसका नाम है जी एस मिल तो यहाँ तक कह देता है कि भारत में हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको बोलता कि हिंदू इतिहास है, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसको बोलता कि मुस्लिम इतिहास है, और जो अंग्रेज जो आते जो ओपनिंग इतिहास है उसको बोलता कि वो मॉडर्न इतिहास है। यार, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इतिहास को जो सबसे पहले बांटा है वो उसका नाम है जी एस मिल। जी एस मिल जिंदगी में कभी हमारे देश में आए नहीं थे। जी एस मिल कह सकते उस प्रकार का व्यक्ति था भाई कि एक अभी भारत में आने, बल्कि भारत के बारे में इसने जो कहानियां सुन रखी थी, जो स्टोरी सुन रखी थी, उन्हीं कहानियों के आधार पर उसने भारत में बता दिया। देखो, जी एस मिल जब कहता है कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है हिंदू इतिहास है, नहीं वो प्रकार से कह सकते कि भारत के इतिहास को धार्मिक आधार पर उस व्यक्ति ने बांटा, कि भारत में बताता कि भारत में हमेशा धर्म के आधार पर यहाँ पर जो हिंदू हैं मुसलमान हैं उनमें हमेशा गतिरोध था या दंगे। इस प्रकार की बातें अगर कौन लिखता है, सारे औपनिवेशिक इतिहासकार लिखते हैं। एक प्रकार से वो कहते हैं कि देखो, जितने भी औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, इनको कुछ नहीं आता है, बल्कि हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं। देखिएगा, औपनिवेशिक इतिहासकारों के लेखकों ने ब्रिटिश शासन पर समर्थन लिया। जितने भी औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वो जो अंग्रेजी शासन है उसका समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि भारत के लोगों को जानकारी नहीं है, भारत के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको सभ्य बना रहे हैं, ठीक है। औपनिवेशिक इतिहासकार कहते हैं कि भारत जो ब्रिटिश शासन है भारतीय के लिए क्या वरदान है। अंग्रेज कहते हैं भैया कि अगर हम भारत पर शासन करें इनके लिए क्या वरदान है, क्योंकि हम इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं। ये तो जाहिल टाइप के लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता था, ये तो धर्म के नाम पर और किसके नाम पर लड़ते रहते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जब से भारत में ब्रिटिश शासन है तब से भारत की बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की हुई है, भारत पिछड़ेपन से निकल करके मॉडर्न युग में आ गया। अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि भारत जो है बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, जब भारत पर अंग्रेज आते हैं तब भारत जो है मध्यकाल से निकल करके मॉडर्न यानी आधुनिक युग में चला गया है। और औपनिवेशिक इतिहासकार ये कहते हैं कि भारत में शांति और अच्छा शासन प्रशासन कायम करने में अंग्रेजों का बड़ा योगदान है। और जितने भी अंग्रेजी इतिहासकारों कहते हैं कि भारत में न तो शासन अच्छा चलता था न तो प्रशासन अच्छा चलता था। ब्रिटिश इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो ऐश आराम की ज़िंदगी जिया करते थे, बल्कि यहाँ के जो लोग मजदूर होते थे जो खेती करते थे उनका जो उत्पादन होता था उस पर कब्जा कर लेते थे।
यानी ब्रिटिश इतिहासकारों का कहना यह था कि भारत में जो राजा शासन करते थे वो निरंकुश शासक हुआ करते थे, बल्कि वो उत्पादन पर कंट्रोल कर लेते थे। भारत के जो राजा महाराजा होते थे वो एक प्रकार से ऐश आराम की जिंदगी जीते थे, विलासिता का जीवन जीते थे और जनता पर वह किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते थे। एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो कहते हैं कि वो तानाशाही चलती थी। राजा महाराजा जो होते थे क्या करते थे, उत्पादन पर अपना कंट्रोल जमा लेते थे, इस प्रकार के बताता है। और ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ब्रिटिश शासन ने उन्हें एकता में शासन किया है, क्योंकि वह मानते कि भारत में पहले कोई निश्चित शासन पद्धति नहीं थी। अंग्रेजी इतिहासकार कहता कि भारत में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, ये लोग तो आपस में ही लड़ते रहते थे, क्योंकि ये लोग आपस में क्या थी, अलग अलग देशी रियासतें थी उसमें बटे हुए थे और आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। ब्रिटिश शासन ने परिणाम स्वरूप भारत में संचार किया। अंग्रेज कहते हैं कि जब से भारत में अंग्रेजी शासन आया है तब से भारत में संचार आया है, रेल का यातायात आया है और भारत में जो नई शिक्षा नीति है जिससे हम भारतीयों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और इनको सभ्य बना रहे हैं, भारत में सिंचाई के साधन हैं, रेल तंत्र हैं, यह सारी चीज़ें हम, यानी ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से अब भारत को, भारत में जो एक प्रकार से अनपढ़ता थी, जो गरीबी थी, जो भारत के लोग जाहिल या गंवार टाइप के लोग थे, हम इनको क्या कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा देकर के हम इसको क्या कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, ये तो असभ्य टाइप के लोग हैं। और अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि कुल मिलाकर जितने भी इतिहासकार हैं सभी कहते हैं कि भारत के लिए जो ब्रिटिश शासन बहुत लाभकारी है और भारत में हमारे आने से पहले कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, भारत के जो राजा महाराजा होते थे जनता पर शोषण करते थे, जनता पर दमन करते थे, भारत के लोग धार्मिक रूप से बटे हुए थे, इस प्रकार की आरोप लगाते हैं। और बल्कि कहते हैं कि भारत के लोगों में न तो सभ्यता है, न तो संस्कृति है, न तो कल्चर है, यानी अनकल्चर टाइप के लोग हैं, असभ्य, यानी क्या बोलते हैं, असभ्य लोग हैं, यानी कह सकते हैं बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कह सकते हैं कि जो लोग, यानी बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, इस प्रकार से बताते हैं कि इनको कुछ नहीं नॉलेज है, ये तो आप धार्मिक रूप से लड़ते रहते थे। यहाँ के राजा जो महाराजा होते थे निरंकुश शासन हुआ करता था, वो भोग विलास का जीवन जिया करते थे और बल्कि जनता पर शोषण किया करते थे, इस प्रकार के आरोप जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उपनिवेश इतिहासकार हैं, सभी आरोप लगाते हैं। और ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, यानी अंग्रेजी इतिहासकार कहता है कि जो अंग्रेजी शासन है वह भारतीयों के लिए वरदान है। अगर भारत में ब्रिटिश शासन नहीं आया होता तब भारत में एक प्रकार से अंधविश्वास था, यानी यहाँ पर अंधविश्वास था या गरीबी थी, भुखमरी थी, ये लोग अज्ञानता में जीवन जी रहे थे। और जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं कहते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है भारतीय के लिए वरदान है। ठीक है, महत्वपूर्ण औपनिवेशिक इतिहासकार हैं। जैसे मैं जेम्स मिल की बात करूँ तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को, जैसे हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको हिंदू इतिहास बताया है और जो हमारा मध्यकाल का इतिहास है उसको क्या बताया, मुस्लिम इतिहास बताया है, और जो हमारा आधुनिक इतिहास है, यानी जो अंग्रेजी इतिहास, जब अंग्रेज आते हैं उसको क्या बताता है, आधुनिक इतिहास बताता है। और जेम्स मिल कहता है कि भारत में एक प्रकार से हिंदू मुसलमान इस प्रकार के ये लोग रहते थे, लेकिन इनमें संघर्ष होता रहता था, तनाव होता रहता था। और जेम्स मिल इस बात का भी कहता है कि यहाँ के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, वह जनता पर शोषण करते थे, दमन करते थे, यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलूं तो जेम्स मिल जो है पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करता है। और आप सबने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबने सुन भी रखा हो ना कि बताएगा भाई भारत सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, ढोंगियों का देश है, पाखंडियों का देश है, ये किसने फैला रखा है, ये सारे अंग्रेजों ने फैला रखा है, इस प्रकार की झूठी बातें, अफवाह जिसने फैलाई है सारे अंग्रेज थे और इन्होंने सबसे पहले भारत में आए और इन्होंने इतिहास में, यानी किताब लिख लिख कर ऐसे झूठी बातें फैला दी पूरी दुनिया में कि भारत के लोग सपेरों और मदारियों का देश है। ठीक है, इस प्रकार की बातें, वहाँ पर ना तो साइंस है, ना तो टेक्नोलॉजी है, ना तो वहाँ पर ज्ञान है, ना तो वहाँ पर विज्ञान है, ये अंधकार में लोग जी रहे हैं, ये पाषाण काल में जी रहे हैं सभी लोग, इस प्रकार के आरोप। जब अंग्रेज कोई पूछता था ना, अरे भाई जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करता था और अंग्रेजों से कोई पूछता था भारत को क्यों गुलाम बनाया है, तो अंग्रेज पता क्या कहते थे, वो तो लोग असभ्य लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम उनको सभ्य बना रहे हैं, वो तो असभ्य टाइप का लोग है, हमको सही, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार हैं सब इसी प्रकार की बातें करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अंग्रेजी इतिहासकार में दो धड़े हैं, कौन से, एक तो अगर आप देखोगे कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, आरोप लगाते हैं कुछ नहीं है,
एक प्रकार से भारत में एक प्रकार से गरीबी है, भुखमरी है, ढोंगी है, पाखंडी, इस टाइप के लोग हैं, अनपढ़ जाहिल गंवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे इतिहासकार हैं, अंग्रेजों में दो धड़े हैं, कुछ इतिहासकार भारत को लेकर के अच्छी बातें भी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करूँ, एक नाम है जैसे इलियट है, ये थोड़ी अच्छी बात करता है। जो लोग कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भारत में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जितने अंग्रेज हैं, खास तौर से भाई इनका नाम याद रखना, जेम्स मिल पूरी तरीके से अगर आप देखो, सबसे पहले इसने भारत के बारे में लिखा है। ये भारत में कभी आया नहीं था। जैसे हम लोग दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं ना, और दादी नानी की कहानियाँ सुनकर के किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं, उसी प्रकार से जेम्स मिल है। जेम्स मिल कभी इंडिया में आए नहीं, भारत में आए नहीं, लेकिन भारत के बारे में तमाम तरह की बातें जेम्स मिल ने लिख रखी है, कहानियाँ सुन करके। जो लोग भारत में आते थे ना, वो लोग कहानी सुनाते थे ब्रिटेन में जाकर के, कहानियाँ सुन सुन करके किसी ने इतिहास लिखा, तो जेम्स मिल है। दूसरा, यहाँ पर अगर जैसे इलियट की बात करूँ, तो इलियट भी उसी प्रकार की बातें करता है, यानी यहाँ पर सामाजिक संघर्ष है या इस प्रकार की बातें करता है। स्मिथ है, ये सारे औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, और औपनिवेशिक इतिहासकार सभी यही बताते हैं कि अंग्रेजी शासन भारतीय के लिए क्या है, वरदान है। और जब तक, और भारतीय यानी एक यहाँ जनपद, यानी एक प्रकार से क्रिटिसाइज करता है, और कई प्रकार के लोग बातें करते हैं। और इतिहास लेखन की जो परंपरा है, अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। भारत में उससे पहले इतिहास लेखन की कोई परंपरा भारत में नहीं थी, उससे पहले हमारे देश में इतिहास नहीं लिखा जाता था, ठीक है। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत का इतिहास लिखना शुरू किया। क्यों लिखा है? क्योंकि उनको जानना था, क्योंकि भाई हमारे देश पर उनको शासन करना था, तो उनको, उनके लिए जानना बहुत जरूरी था कि भारत के लोग कैसे हैं, इनकी सभ्यता कैसे, इनकी संस्कृति कैसे, इनका कल्चर कैसे है, इनका खान पान कैसे, इनका पहनाव कैसे है। इसलिए लोग इतिहास को लिखते हैं और बहुत तमाम तरह की क्रिटिसिज्म करते, बुराई करते हैं। इन्होंने इतनी बुराई कर दी है, अगला जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट, भाई जब इतनी ज़्यादा बुराई होगी, इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी उन लोगों ने, तब कह सकते हैं कि भारत में एक राष्ट्रवादियों का धड़ा खड़ा होगा, और जो एक प्रकार से कह सकते हैं इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े होंगे। इसलिए अगले जो इतिहासकार नेशनलिस्ट हैं, यानी जिस प्रकार से इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बोला कि सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, ढोंगियों का देश है, अनपढ़ों का देश है, जाहिल टाइप के लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है, असभ्य लोग हैं। खासतौर से एक वर्ड इसमें बहुत यूज करते हैं, असभ्यता, असभ्य लोग हैं, सभ्य नहीं, सभ्यता नहीं, असभ्यता है फैली हुए, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और इसीलिए अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्रवादी इतिहासकार जो नेशनलिस्ट, जो भारत के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, और एक प्रकार से अंग्रेजों ने जो बातें बता रखी है, इनकी बातों का खंडन करेंगे, और इनको एक प्रकार से इनका पर्दाफाश करेंगे कह सकते हैं। यानी जिस प्रकार से इन्होंने झूठी बातें, कोरी बातें फैला रखी थी, एक प्रकार से इतनी सारी अफवाह बातें फैला रखी भारत के बारे में, इतना क्रिटिसाइज कर दिया इन लोगों ने कि भारत में भी एक धड़ा खड़ा होता है, एक इतिहासकार आते हैं कि जो लोग हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसकी अच्छी बातें बताएंगे, कि उसी बारे में अच्छी बातें। तो अगला चैप्टर जो रहेगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उसको हम देखते हैं, ठीक है। हेलो, चैप्टर नंबर 18 है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या राष्ट्रवादी इतिहासकार, ठीक है। देखिएगा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत पर बोझ है। उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश शासन था भारत पर क्या था, एक प्रकार का बोझ था, बोझ बन गया था हमारे लिए, ठीक है। किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारत पर बोझ किया, और जो ब्रिटिश शासन है भारत का क्या कर रहा, शोषण कर रहा है। यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन है भारत का क्या कर रहा, शोषण कर रहा, दमन कर रहा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत से धन बाहर जा रहा इसको बताया था। देखो, खास तौर से दादा भाई नरोजी के बारे में आप सबने सुना होगा कि जो बताते हैं कि भारत का जो धन है वो ब्रिटेन की ओर जा रहा, धन की निकासी का जो सिद्धांत है दादा भाई नरोजी ने दिया था। यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है वह क्या कर रहा, भारत का शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है। एक प्रकार से जो अंग्रेज है बड़ी मात्रा में जो धन दौलत है, पैसा है, अपने देश ले जा रहे हैं, यानी पूंजी का एक तरफ से प्रवाह हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे तो यहाँ पर उनको कोई चीज़ खरीदनी पड़ती थी तो पैसे ब्रिटेन से लाते थे और खरीदते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शासन सत्ता स्थापित कर ली, जब उनको दीवानी अधिकार मिल गए, जब उनको उनका यहाँ पर 1757 और 1764 में जब उन्होंने प्लासी जीता, बक्सर जीता, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काबिज हो जाते हैं। और एक प्रकार से अगर आप देखेंगे, जब प्लासी और बक्सर जीतने के बाद जो अंग्रेज होते काफ़ी मजबूत हो गए, शासन में आ जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में जो धन होता है वह भारत से ब्रिटेन की ओर जाने लग जाता है। यहाँ पहले जब अंग्रेज आते थे कच्चा माल खरीदने के पैसा लेकर के आता था,
चांदी के सिक्के लाता था, लेकिन बाद में यहीं से राजस्व इकट्ठा करते थे और उस वही पैसे से क्या करते थे, भारत पे चीज़ों को खरीद करके ले जाते थे। धन की निकासी आती है, इसे राष्ट्रवादियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी है। इसके समर्थकों में जैसे दादा भाई नौरोजी और भी इतिहासकार जैसे रामकृष्ण भंडारकर हैं, राधा कुमन मुखर्जी हैं, रमेश चंद मजूमदार हैं, ये सारे क्या हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों में आता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत के हर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे उद्योगों का विनाश हो गया है, भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ गई है, रोजगार का ह्रास हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में सुरक्षा जन प्रशासन पर जो धन खर्च किया जाता है वह बहुत अधिक था और उसकी भरपाई भारत के राज्य से, यानी अंग्रेजी इतिहासकार सॉरी राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं भारत पे भारत में शासन इंडिया में शासन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसानों का शोषण करते हैं, किसानों का दमन करते हैं, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा और जिसकी मार आम जनता पर पड़ रही है। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको उस पर बुरी तरह से अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ा है। भारत में जो खेती, आप सबको पता कि भारत में जो खेती होती थी हम लोग सिर्फ खाने पीने के लिए खेती करते थे, हम लोग वाणिज्यिक खेती नहीं करते थे। जो जब अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, नील की खेती करवाते हैं, अफीम की खेती करवाते हैं, चाय की खेती करवाते हैं। भाई एक बात बताओ, चाय कोई खाएगा, नील कोई खाएगा, अफीम कोई खाएगा, ये क्या है, ये तो मार्केट में बेचने के उत्पादन है। यानी भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो जिस प्रकार से आप सबको पता कि कोई ब्रिटेन में उद्योग धंधे लग गए हैं और अंग्रेजों को यहाँ से बहुत ज़्यादा कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भारत पर क्या करते हैं, भारत में जो खाद्य फसलों का उत्पादन होता था, जैसे भारत का जो किसान होता था, गेहूं है, चावल है, जव है, बाजरा है, इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करता था, लेकिन अंग्रेजों ने पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर था, जो खाद्यान्न फसलों का होता था, उसको पूरी से उन्होंने वाणिज्यिक कृषि बना दिया, व्यापारिक खेती बना दिया। फिर किसका उत्पादन होने लगा भारत में, अगर आप देखेंगे चाय का उत्पादन, नील का उत्पादन, अफीम का उत्पादन, कपास का उत्पादन, ताकि जो ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगे उनके लिए कच्चा माल मिल सके। यानी एक प्रकार से अंग्रेज जो होते हैं भारत का पूरी तरह से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, दमन करते हैं, और अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा हमारा अर्थव्यवस्था का शोषण दमन किया है कि हमारे देश में अकाल भुखमरी की जो समस्याएं हैं काफ़ी गंभीर संकट पैदा हो जाता है। अंग्रेज भारत का शोषण करता है, दमन करता है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर किसी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में ना तो कोई सिंचाई व्यवस्था आती है, उसका हमें अभाव दिखाई पड़ता है। भारत में कृषि में ना तो किसी प्रकार का निवेश करते हैं अंग्रेज। देश में वैज्ञानिक कोई तकनीक नहीं आती है, जिससे कहता है भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, बल्कि जो हमारा व्यापार है, व्यापार भी धीरे धीरे ट्रेड क्या होती है, खत्म हो जाती है। राष्ट्रवादी इतिहासकार पूरी तरीके से औपनिवेशिक शासन की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन इतिहास था, जो मौर्य काल था, गुप्त काल था, वह काफ़ी अच्छा था। और वो कहते हैं जिस प्रकार से अंग्रेज आरोप लगा रहे हैं कि भारत में किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, राजा यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे बड़े न्यायप्रिय होते थे। और राष्ट्रवादी इतिहास करते हैं कार कहते हैं कि जो हमारा गुप्त काल था वह स्वर्णकाल था, और भारत में हमेशा ही अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो समाज था उसमें ना तो कभी राइट्स होते थे ना तो दंगे। ये जिस प्रकार से अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत में कि एक प्रकार से हिंदू मुसलमान बटा हुआ था, ऐसा हमें किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता है। चाहे आप पूरी दिल्ली सल्तनत को उठा करके देख लेना, चाहे आप मुगल काल को उठा कर देख लेना, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान बिल्कुल मिलजुल कर रहता है। और राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं जिस प्रकार से अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, या भारत में कोई यानी राजा जो महाराजा होते थे एक प्रकार से या जनता का शोषण करते दमन करते थे, वो कहते हैं इस प्रकार से कोई बातें नहीं है। भारत के जो राजा होते थे बड़े न्यायप्रिय होते थे, बड़े लोकप्रिय होते थे, जनता उनसे बड़े प्यार करती थी, और यहाँ तक वो कहते हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था है बड़ी अच्छी चलती थी। और भारत में जिस प्रकार के अंग्रेजी इतिहासकार आरोप लगाएं कि भारत में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बताते हैं कि भारत में खास तौर से धार्मिक रूप से जाति रूप से बटा हुआ समाज है, वो कहते हैं भारत का जो समाज है उसमें धर्म के आधार पर और अलग अलग पंथ तो हैं, भाई हिंदू है मुसलमान है, लेकिन ये सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। और जिस प्रकार से जेम्स स्मिथ अगर मैंने बात की जो आरोप लगाता कि प्राचीन इतिहास को हिंदू इतिहास, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास और अंग्रेजी इतिहास को आधुनिक इतिहास बोलता है, वो कहते हैं कि इस प्रकार से इतिहास का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत में हिंदू और मुसलमान हमेशा मिलजुल करके रहते थे। यानी जिस प्रकार से अंग्रेज आरोप लगा रहे हैं
उनका खंडन किया जाता है और कहते हैं कि अंग्रेजों ने आकर के भारत का शोषण और दमन किया है। अगर भारत पर अंग्रेजी शासन नहीं आया होता, अगर भारत पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा नहीं जमा होता, तब भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था था। राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था था, मध्यकाल में भारत बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन जब भारत पर अंग्रेज आते हैं तब अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया, दमन किया और पूरी तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, हमारा जो व्यापार था, इसको उन्होंने पूरी तरह क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अंग्रेज भारत में जो भी विकास काम करते हैं वो अपने फायदे के लिए करता, भारतीयों के लिए नहीं करता। राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज जो भारत में शिक्षा लेकर के आए हैं वो तो शिक्षा तो दे रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन भारतीय जो व्यक्ति है वो सिर्फ क्लर्क बन के ही रह पड़ता है, उसको बड़ी नौकरी नहीं मिलती है। वो तो सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए, अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए शिक्षा का लेकर के हैं, लेकिन भारत को लेकर के उनके कोई अच्छे विचार नहीं है। वो तो सिर्फ शोषण और दमन के माध्यम से ही, यानी अंग्रेजों को यहाँ पर भारतीय लोगों से काम करवाना था या उनसे शासन चलवाना था, इसलिए उनको पढ़ा लिखा रहा है, बल्कि उनका कोई नैतिक उत्थान करना, भारत को तरक्की करना उनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रवादी इतिहास करते हैं कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो रेलवे का विस्तार किया है या जो यहाँ पर संचार का विस्तार किया है, वो तो उन्होंने यहाँ पर शोषण करने के लिए किया, ताकि यहाँ से धन लूट करके अपने देश में ले जा सकें, इसलिए उन्होंने किया। और जो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा प्रसारित हुई है, अंग्रेजी शिक्षा का हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं, क्योंकि भारतीय लोग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें वो तो सिर्फ कलक ही बन के रह जाते हैं, बल्कि उच्च नौकरियों तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। या वो आरोप लगाते हैं सेना में भी भारतीयों को उच्च स्थान नहीं मिलता है, बल्कि उनके साथ एक प्रकार का देखोगे शोषण होता है, एक प्रकार से उनका भेदभाव होता है, या जिन अंग्रेजों को जितनी सैलरी मिलती थी भारतीयों को तो उतनी सैलरी मिलती नहीं। यानी अंग्रेज एक प्रकार से क्या कहें, भारत का शोषण और दमन कर रहे हैं। अंग्रेजी इतिहासकार जो भी बातें कर रहे हैं कि भारत में एक प्रकार से भारत के लोग शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो हमारी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो अगर आप देखेंगे वहां पर मौर्य काल था, गुप्त काल था, यहां के राजा न्यायप्रिय थे, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के काफ़ी बातें करते हैं, सम्राट अशोक को लेकर के भारत के सत्य अहिंसा की और जो अशोक का जो धर्म की नीति है इसको लेकर के बड़ी बातें की जाती हैं कि उसने जो अपनी धार्मिक नीतियाँ बनाई थी, हमारे राजा तो बहुत अहिंसक होते थे, न्यायप्रिय होता था, जिस प्रकार से अशोक ने धार्मिक नीतियाँ चलाई थी, भाई अशोक ने धार्मिक नीतियाँ चला रखी है, तो अंग्रेज किस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत के जो शासक हैं वो क्या एक प्रकार से शोषण करते थे, दमन करते थे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भारत में जो अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान या यहाँ पर भारतीय जो समाज है जातियों के नाम पर लड़ता था, तो अशोक की जो धार्मिक नीतियाँ हैं वो धार्मिक नीतियों से हमें बिल्कुल पता चलता है कि अंग्रेज जो करें बिल्कुल गलत बात करें, क्योंकि हमारे देश में चाहे मौर्य काल रहा हो चाहे गुप्त काल है, ये तो स्वर्ण काल था, या यहाँ पर शासन प्रशासन जो चलता था काफ़ी अच्छा था, हमारा जो राजा महाराजा होते थे वो तो बड़े न्यायप्रिय होते थे, जनता में लोकप्रिय होते थे, जनता उनका मान सम्मान करती थी। अशोक की धार्मिक नीतियों की बात करूँ, अगर आप देखेंगे जो हमारा मौर्य काल है, अगर गुप्त काल में अगर देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं थी, उसको हम स्वर्ण काल बोलते हैं, स्वर्ण की मुद्रा इतना ज़्यादा हुआ करती थी। राजा जो होते थे वो अगर देखोगे तो एक प्रकार से न्यायप्रिय होता था। यहाँ पर जो मैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ, तो राष्ट्रवादी इतिहासकार जिस प्रकार से अपने इसी इतिहास अंग्रेजी इतिहास जिस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं, जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं, उनका खंडन करते हैं, बल्कि गुप्त काल मौर्य काल को स्वर्ण काल बताते हैं और कहते हैं कि भारत में जो राजा होता था बड़ा न्यायप्रिय होता था, जिस प्रकार से अशोक की धमकी नीति है उसका बड़ा बखान किया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन लेकर के बात करें, उसी प्रकार से अगर आप अन्य राजा जैसे हर्षवर्धन को लेकर के बातें कहते हैं या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लेकर के बातें कहते थे, ये तो बड़े न्यायप्रिय शासक थे, जनता में इतने फेमस थे, जनता में इतने पॉपुलर थे, ये तो बिल्कुल गलत बात करें। हमारे गुप्तकाल को जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण काल बोला, वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएँ चलती थी, इसको लेकर के बड़ा वो बखान करते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी इतिहासकार जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो गलत आरोप कर रहे हैं, इसको लेकर के बातें करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन से हैं, जैसे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमंद मुखर्जी और रमेश चंद्र मजूमदार। खास तौर से अगर आप देखोगे रमेश चंद्र जो मजूमदार है ये इम्पोर्टेंट है खास तौर से आपके लिए, ठीक है, और इन्हीं का क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो खास तौर से आप लोग ये काम करना, रमेश चंद्र मजूमदार, राधा कुमंद मुखर्जी, इन्हीं दोनों लोगों का ध्यान रखना। और बात करूं जैसे इसमें एक नाम है मैक्स मूलर, क्या नाम है मैंने बोला आपको, मैक्स मूलर भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर की अगर बात करूं तो मैक्स मूलर कहता है कि
एक प्राच्यवादी विद्वान है जो भारत के बारे में काफ़ी अच्छी बातें करता है और भारत का जो प्राचीनतम काल है वहाँ पर जो हिंदू विधि है उसको लेकर के काफ़ी उसने अच्छी बातें की, खासतौर से मैक्स मुलर, और जो भारतीय परंपरा को गणतंत्र बताता है, यानी यहाँ पर एक गणतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, जो शासक होता था यानी यहाँ पर जो राजा होता था वह न्यायप्रिय होता था, और जिस प्रकार से अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में एक निरंकुश शासक होता था, निरंकुश शासन चलता था, वो कहते हैं कि भारत में निरंकुश शासन नहीं होता था, ठीक है। नाम मैक्स मुलर का ऐड कर लेना, मैक्स मुलर जो है एक प्राच्यवादी इतिहासकार, और मैं बता दूं प्राच्यवादी इतिहासकार उनको बोला जाता है जो भारत को लेकर के, ये भी अंग्रेज ही हैं, मैक्स मुलर भी अंग्रेज है और प्राच्यवादी इतिहासकार भी कह सकते हो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार होते हैं, लेकिन अगर इनको बात करोगे तो भारत को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। और जो ब्रिटिश इतिहासकारों, मैंने बोला था ना कि दो, एक तो प्राच्यवादी इतिहासकार है, और प्राच्यवादी इतिहासकारों में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा भारत को लेकर के जो पॉइंट है थोड़ा अच्छा पॉइंट बताते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं के भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन जितने अन्य इतिहासकार हैं अंग्रेज, खासतौर से जितने अन्य अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसमें अगर आप खासतौर से रमेश चंद मजूमदार को जरूर एक बार पढ़ लेना, इनकी रीडिंग जरूर कर लेना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 क्या है, मार्क्सवादी तथा सबर्टन। सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्क्सवादियों के बारे में बात करते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों से बात करने से पहले हमें थोड़ा मार्क्सवाद की बात करते हैं। आप सबको बताओ कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, और कार्ल मार्क्स क्या कहता है, वर्ग की बात करता है, यानी श्रम की बात करता है। किसकी बात करता है, वर्ग और श्रम की बात करता है। तो जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, खासतौर से जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, उससे हमें प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। यानी कह लीजिए भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो मध्यकाल का इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास है, इसमें आर्थिक इतिहास को लेकर के बात करते हैं, यानी इसमें हमें आर्थिक चीज़ों का इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। यानी भारत में जैसे सामंतवाद है, उपनिवेशवाद है, पूंजीवाद है, इस अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया। यानी मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास लेखन में जो मजदूर है, जो श्रम है, जो पूंजी है, इसको लेकर के इतिहास लिखा जाना चाहिए। मार्क्सवादी जो इतिहासकार है वर्ग संघर्ष को रेखांकित करता है। मार्क्सवादी इतिहासकार किसकी बात करता है, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब समझते हो, जो समाज में दो वर्ग है, चाहे वो पूंजीपति हो या जो श्रमिक है उसका वर्ग हो, चाहे अगर आप इतिहास में जब सामंतवाद में कहता तो एक तरफ क्या होता था, जमींदार होता था, दूसरी तरफ किसान होता था, इस वर्ग से। यानी मार्क्सवादी इतिहासकार किस की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा जो समाज है, जो वर्गों में बटा, उसके संघर्ष को लेकर के लेखन करते हैं। और मार्क्सवादी इतिहासकार जो है खासतौर से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। किस परिवर्तन के बारे में, मार्क्सवादी इतिहासकार जो सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के बारे में ये बातें करते हैं, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के बारे में। और महान व्यक्ति के सिद्धांत को खारिज करता है। कोई व्यक्ति अगर इतिहास में किसी को महान राजा बताता है, महान व्यक्ति बताता है, उसको खारिज करते हैं। यानी इनका कहने का मतलब, भैया जो श्रम करता है, जो मजदूरी करता है, वही महान है। राजा महान नहीं है, कोई व्यक्ति महान नहीं, बल्कि जो श्रम है, मजदूरी है, यानी श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो श्रम है, ठीक है, दोनों प्रकार का, चाहे बौद्धिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम हो। बौद्धिक मतलब समझते हो, जो आदमी लिखा पढ़ी का काम कर रहा है, शासन प्रशासन में काम है, बौद्धिक श्रम है। सामाजिक श्रम का मतलब, यानी जो शारीरिक श्रम हम किसको बोलते हैं, यानी जो आदमी जैसे मेहनत मजदूरी कर रहा है, किसान खेती किसानी, यानी कह सकते कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार है वह श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, और महान यानी ग्रेट मैन की जो थ्योरी है उसको खारिज करते हैं। किसकी थ्योरी, महान व्यक्ति का जो विचार, राजा बहुत महान है, राजा बहुत प्रतापी है, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, इस प्रकार की थ्योरी में इनका कोई विश्वास नहीं है। दूसरा, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर इन्होंने अपना ध्यान दिया, यानी आर्थिक इतिहास लेखन जो उस पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। कौन से, किसने, मार्क्सवादी हैं। और मार्क्सवादी इतिहासकार वो कहते हैं कि भारत में जो इतिहास लिखा गया है वहाँ पर हमें श्रम की बात करनी चाहिए। श्रम का मतलब जो लोग मेहनत करते थे, जो लोग खेती करते थे, जो लोग किसानी करते थे, यानी मजदूरों और किसानों की बात करनी चाहिए, उनके एंगल से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। मार्क्सवादियों का जो इतिहास है वह पूरी तरीके से कह सकते जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है उससे कह सकते प्रभावित है। और मार्क्सवादी इतिहासकार अगर आप देखेंगे तो श्रम की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है, समाज में दो वर्ग, जो वर्ग बन गए, एक तो पूंजीपति है, दूसरा मजदूर है, एक वर्ग हो गया। उससे पहले जब सामंतवाद था तो सामंतवाद में क्या होता था, एक तरफ किसान होता था और दूसरी तरफ
जो भूमि का मालिक या जो जमींदार होता था। यहाँ पर जो संघर्ष हमें दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से जब दास युग था, दास होता था तो एक दास होता था, दूसरा क्या था उसका स्वामी होता था। तो ये जो समाज में हमेशा वर्ग है और वर्ग बनने से समाज में हमेशा जो संघर्ष रहता है उस एंगल से इतिहास को लिखा जाना चाहिए। यानी श्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अगर जो मार्क्स की थ्योरी है, मार्क्स प्रोडक्शन को यानी कह सकते हैं श्रम को बहुत महत्व देता है। इसलिए वो कहता है कि समाज में जो श्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों प्रकार का श्रम हो, चाहे सामाजिक श्रम हो, सॉरी चाहे बौद्धिक श्रम हो, चाहे आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं, चाहे आप कोई बौद्धिक वर्क करते हैं, चाहे आप सामाजिक वर्क करते हैं, इसका एक का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इतिहास लेखन में जब इतिहास लिखा जाए तो श्रम के इतिहास यानी श्रम को ज्यादा महत्व हमें दिया जाना चाहिए। जो ग्रेट मैन का सिद्धांत है, ज्यादातर आप सबने इतिहास में देखा होगा ना कि फलाना राजा बहुत महान है, फलाने राजा ने इतनी लड़ाई लड़ रखी है, ये राजा ऐसा है, राजा ऐसा। इतिहासकार तो इसी प्रकार से इतिहास लिखते हैं ना। तो मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि हमें वंशवादी इतिहास और जो ग्रेट मैन, ग्रेट राजा है, महान राजा है, इस प्रकार के इतिहास को से हमें बचना चाहिए। बल्कि हमें जो श्रम का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं की स्थिति, इस पर हमें ध्यान देने की क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मार्क्सवादी इतिहास कौन कौन है, जैसे आरपी दत्ता, डीडी कौशाम्बी, खास तौर से बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब। और दो लोगों का नाम तो खास तौर से आप लोग, डीडी कौशाम्बी ये भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, बिपिन चंद्रा है और इरफान हबीब, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और बहुत फेमस हमारे देश, खास तौर से इंडिया में ये लोग काफ़ी फेमस है। जितने लोगों का नाम लिया, इरफान हबीब अभी भी हैं, ठीक है, ये भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, अभी जीवित हैं भाई, ठीक है, इनको मैंने कई बार सुना है। बिपिन चंद्रा अगर आप देखोगे ये भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, डीडी कौशाम्बी भी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और आरपी दत्ता। और जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए लोग उनमें अगर आप देखो बिपिन चंद्रा और डीडी कौशाम्बी, और बिपिन चंद्रा, डीडी कौशाम्बी या इरफान हबीब की बात करो तो ये सभी लोग जो काल मार्क्सी जो थ्योरी है, जो मार्क्सवाद है, उससे थोड़ा प्रभावित हैं। और ये लोग इतिहास में जब हम महान राजा की बात करते हैं, अकबर महान था, फलाना महान था, उसने इतनी लड़ाइयाँ रखी, इस प्रकार से इतिहास को नहीं देखते हैं, बल्कि ये श्रम को देखते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो श्रम यानी जो मेहनत हो रही है उसको ध्यान में रखकर या उसको केंद्र में रखकर के कह सकते हैं इतिहास लेखन की बात करते हैं, या उस प्रकार से इतिहास लिखा जाए उसकी वकालत करते हमें नजर आते हैं। यानी श्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान इंपॉर्टेंट है, मजदूर इंपॉर्टेंट है। यही ग्रेट मैन की जो थ्योरी है, जैसे बहुत सारे इतिहासकार क्या राजा को बड़ा ग्रेट बताते हैं, बड़ा महान था, प्रतापी राजा था, इस प्रकार की जो थ्योरी है उनमें इनका किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। उसके बाद हमारा जो अगला है सबर्टन, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सबर्टन के बारे में बात करते हैं। ये सबर्टन इतिहासकार क्या है, देखिए सबर्टन जो इतिहासकार है वो अभिजात वर्ग अधिकारी स्रोतों से यानी जनता या जनता के लिए जनता द्वारा उसकी बात करता। सबर्टन इतिहासकार का मतलब था कि जो खास तौर से यानी जो निम्न जाति के लोग हैं उनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाए। सबर्टन किसकी बात करता है, जो निम्न जाति है, जैसे जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। सबर्टन इतिहासकार इस चीज़ को कहता है, खास तौर से जो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के इतिहास को निर्मित करने की बात करते हैं। सबर्टन इतिहासकार जो है अभिजातवाद से ग्रस्त हैं। सबर्टन इतिहासकार कहते हैं जो अभिजात वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, उसके बारे में नहीं, बल्कि जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, इन या जो इनके बारे में इतिहास ज़्यादा लिखा जाना चाहिए। यानी आम जन के बारे में बात करते हैं। यानी सबर्टन इतिहास कहता है कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, या कह सकते हैं कि जो किसान है, जो शोषित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, इसको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन की बात करता है। ठीक है, अभिजात वर्ग और उसकी विचारधारा की आलोचना करते हैं। यानी सबर्टन इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास लेखन में हमें पूंजीपति की बात नहीं करनी चाहिए, राजा माना नहीं, बल्कि जो लोग मजदूर है, किसान है, या जो शोषित है, खास तौर से निम्न वर्गीय, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हुआ समाज है, उस समाज को ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन करना चाहिए। जो इतिहासकार दलित इतिहास लेखन की बात करते हैं, जो लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, यह इस टाइप से इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसके जो वकालत करते हैं उनको हम सबर्टन इतिहासकार कहते हैं। सबर्टन इतिहासकार कह सकते हैं कि वो होते हैं जो राजनीतिक, विचारात्मक या सामाजिक स्तर पर अभिजात वर्ग को पृथक करते हैं और कहते हैं कि समाज में दो वर्ग है, एक तो अभिजात वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग, जो पैसे वाला वर्ग है, और दूसरा जो कह सकते हैं निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग या कह सकते हैं वो, यानी निम्न वर्ग की लेकर के ज़्यादा बात करते हैं।
संगठन जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि संगठन जो है जैसे खास तौर से जैसे जाति है, नातेदारी है, जनजातीय संघर्ष है, इस पर ज़्यादा निर्भर करता है। संगठन इतिहासकार खास तौर से पूंजीवादी या जो राष्ट्रवादी विचारधारा है इसको नहीं मानते हैं, बल्कि कह सकते संगठन इतिहासकार खास तौर से जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर है, जो दलित है या जिसके साथ बहुत ज़्यादा, इन लोगों को खास तौर से ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। जिससे संगठन इतिहास जैसे रणजीत गुहा हैं, पार्थ चैटर्जी, अगर मैं रणजीत गुहा की बात करूं तो जनता को लेकर जनता की अनदेखी नहीं करें, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं या जो निम्न वर्ग है, इसको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। यानी अभिजात वर्ग को ध्यान में रखकर के नहीं, राष्ट्रवादियों को नहीं। पार्थ चटर्जी जो हैं ये आधुनिकतावाद का खंडन करते हैं, आधुनिकता को नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो निम्न वर्ग है जिसका शोषण दमन हुआ है उसको ध्यान में रखकर के हमें इतिहास लिखना चाहिए। अगर मैं ज्ञानेंद्र पांडे की बात करूं तो ज्ञानेंद्र पांडे कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में जो मजदूर है, जो दलित है, जो निम्न वर्ग है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, और इतिहास लेखन में जो निम्न वर्ग है इसको ध्यान में लेकर के, क्योंकि आप सबको तक जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे तो भाई जो निम्न वर्ग है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इनका बड़ा योगदान रहता था, और इसलिए इतिहास लेखन में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। यानी जिस प्रकार से किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या शिल्पकार हैं, इनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, बल्कि जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति वर्ग है या कह सकते हो, और खास तौर से जो अभिजात वर्ग है, इसको ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि निम्न वर्ग को लेकर के भी इतिहास लेखन किया जाए। सबर्टन इतिहासकार कहते हैं कि अभी तक जितना इतिहास लिखा गया है वो राजा महाराजा की बात करता है, अभिजात वर्ग की बात करता है, पैसे वालों की बात करता है, लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इनको ध्यान में रखकर के इतिहास नहीं लिखा गया है। इसलिए अब जो इतिहास लेखन किया जाएगा, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। और अगर आप देखें सबर्टन इतिहासकार कौन कौन से, खास तौर से रणजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे, दीपेश चक्रवर्ती, इनका प्रमुख योगदान है। और सबर्ण इतिहासकारों में कुछ महिलाएं जैसे गायत्री चक्रवर्ती, गौतम भद्रा, ठीक है, ये कुछ महिला सबर्टन इतिहासकार हैं। सबर्टन इतिहासकार खास तौर से कहते हैं, जो कह सकते हैं कि जो दलित इतिहास की बात करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। यानी अभिजात वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग है, जो राजा महाराजा को ध्यान रखकर के जो इतिहास लिखा गया है उसका खंडन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, कहते हैं जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो कॉमन मैन है, जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको ध्यान में रखकर के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। सबर्ण इतिहासकार इसी के पक्षधर हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में अगर हम लोग बात करेंगे, जितने यहाँ पर यात्री आए थे, जितने सारे क्या थे, भ्रमणकारी आए थे, बहुत सारे, आप सबको पता कि कई सारे यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरब से आए थे, कई सारे अलग अलग देशों से आकर के लोगों ने क्या थी, यात्राएं की थी। खास तौर से आपको पता कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यूनानी कौन कौन से आए थे जी, आप सबको पता कि यूनान से आकर के क्या करे हैं, यात्री आए थे। आप सबको पता कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ था भैया, था यूनान का था। तो यूनान से जब सिकंदर आता और आक्रमण करता है तो उसके साथ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर, यानी अगर आप देखेंगे तो जो सिकंदर है उसका उसके साथ आता है, ठीक है। अरे जो मेगस्थनीज है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके दरबार में भेजा गया था। यानी कह सकते जो मेगस्थनीज है ये भारत के बारे में, उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है उसके बारे में इसने पूरा इतिहास लेखन किया है। और मेगस्थनीज कई प्रकार की जानकारी भी देता है, और मेगस्थनीज यहाँ बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने निवास किया था, और भारत में रहकर के उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसने अपनी बुक जो इंडिका है उसमें उसने सारी चीज़ें के क्या लिख रखा है, ठीक है। और दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है, और इसके जो वंश, यानी उसके आधार पर कह सकते कि यानी जो यूनानी इतिहास है उसमें अगर आप देखेंगे तो मेगस्थनीज का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं मेगस्थनीज की बात करूँ तो मेगस्थनीज देखोगे चंद्रगुप्त
जो मौर्य हैं उनके निजी जीवन के बारे में बताता है, या राजा की रक्षा के लिए महिलाएं कैसे हुआ करती थी उसके बारे में जानकारी देता है, या यहाँ पर जो युद्ध कैसे था, न्याय कैसे था, शिकार कैसे था, इस प्रकार की सभी जानकारियाँ जो मेगस्थनीज है उसकी जो बुक है इंडिका से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त की जो राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में वो काफ़ी अच्छा से वर्णन करता है और बताता है कि जो पाटलिपुत्र यानी जो है 15 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में इसकी चौड़ाई है, या भारत का सबसे बड़ा शहर है, यानी कह सकते हो कि पाटलिपुत्र के बारे में इसने वर्णन कर रखा है। दूसरा, चंद्रगुप्त का राजभवन कैसा है, मेगस्थनीज बताता है कि राजमहल बहुत शानदार है। उसने कहा है कि यानी किसी राजा के राजमहल में गया था वह सब चंद्रगुप्त के राजमहल के सामने फीका पड़ता है। यानी अगर आप देखेंगे जो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उसके बारे में वर्णन करता है, बस वो सेना के बारे में बताता है बल्कि राज्य के बारे में भी उसने काफ़ी वर्णन करा। यानी कह सकते हो कि जो मेगस्थनीज है वो भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उसके बारे में उसने जो चीज़ें लिख रखी हैं, इससे भी इतिहास लेखन में देखो कि कई सारी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। खास तौर से यूनानी इतिहास में अगर देखेंगे तो मेगस्थनीज ही एक ही इतिहास यानी एक ही व्यक्ति जिसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास का जो विवरण है चीनी इतिहास है, और चीनी इतिहास में अगर आप देखेंगे तो दो तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फायान और हेनसांग। खास तौर से सबको पता होगा कि फायान हेनसांग, फायान की अगर मैं बात करूँ तो फायान 14वीं शताब्दी में फायान नाम का एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने भारत का भ्रमण किया। फायान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने भारत आया। फायान अगर देखोगे तो 400 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक उसने भारत का भ्रमण किया है। वह भारत में पंजाब, मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली आदि के जो बौद्ध स्थान थे वहाँ का उसने दर्शन किए थे। पाटलिपुत्र भी वह पहुँचता। वह लगभग 3 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र में रह करके संस्कृत सीखता है। फायान, राजगृह, सारनाथ, वाराणसी की उसने यात्रा कर रही थी और उसने सभी चीज़ों का वर्णन करा। पाटलिपुत्र के बारे में अगर देखोगे तो फायान भी वर्णन करता है। खास तौर से अगर फायान की बात करूँ तो फायान जो बौद्ध धर्म है, भारत में बौद्ध धर्म का कैसा प्रसार है उसके बारे में भी उसने लिख रखा है। फायान कहता कि बौद्ध धर्म में तब महायान और हीनयान में बट चुका था। यानी आप सबको तो पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है भाई दो संप्रदाय में बट गया है, तो महायान और हीनयान। फायान बताता कि भारत में जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक महायान और हीनयान। वो उल्लेख करता हीनयान के प्रभाव वाले लोगों को बताता है और कहता है, फायान कहता कि महायान शाखा भी लोकप्रिय है। इस स्थानों पर महायान भिक्षुकों से मिलने का उल्लेख करता है, वो जो महायान शाखा के लोग थे उससे वो मिलता है। अशोक के बारे में फायान ने विवरण किया है। अशोक के बारे में भी अगर आप लेखन करेंगे, सामंतवाद के बारे में फायान काफ़ी लिखता है कि यह भारत में फायान बताता है, और भारत में जो अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत था, इसके बारे में भी उसने वर्णन करता है और वो बताता कि यहाँ पर छुआछूत बहुत ज़्यादा है। जो चंडाल थे वो उनको कह सकते इनको नगर से बाहर रहना पड़ता था और छुआछूत काफ़ी यानी अस्पृश्यता फैली हुई थी। और इसका भी अगर मैं बात करूँ फायान जो है अगर आप देखेंगे तो फायान की अगर बात करूँ तो ये खास तौर से पाटलिपुत्र का वर्णन करता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, फायान अशोक के बारे में बताता है, और फायान भारत में किस प्रकार से सामंतवाद था और अस्पृश्यता के बारे में जो जानकारी कौन देता है, हमें फायान ही देता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है हेनसांग। हेनसांग का जन्म चीन में हुआ था, एक कह सकते हैं बचपन से उसका बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा आकर्षण था और 13 वर्ष की अल्पायु में क्या जो हेनसांग था वो बौद्ध भिक्षु बन गया है। और जो हेनसांग है वो भी उसने भी भारत की क्या यात्रा कर रखी है। ठीक है, वह 620 ईस्वी में चीन से रवाना होता है और 645 ईस्वी में वापस पहुंचता है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए बौद्ध धर्म के संबंधित सामग्री का उसने अध्ययन किया है। उसने हर्ष के राज दरबार में कई वर्ष, देखो जो हेनसांग है जब भारत पर हर्षवर्धन का शासन था, ठीक है, महाराजा हर्ष का शासन था उस समय आता है। हेनसांग के प्रमाण देता है उसके आधार पर हर्ष को बड़ा प्रसन्नी उदारवादी शासक बताता है और बताता वो बड़ा न्यायप्रिय राजा है। हेनसांग हर्षवर्धन को कलात्मक भावनाओं का भी प्रकाश डालता है और वो कहता कि राजा का जो ज्ञान है बहुत अच्छा है, कला और शिक्षा का जो हर्षवर्धन काफ़ी बढ़ावा देते हैं। हेनसांग कन्नौज का भी अच्छा वर्णन करता है, कहता कि वहाँ पर बड़े बड़े भवन हैं, सुंदर उद्यान है, जलाशय, इसका उसने क्या कर रखा वर्णन करता है।
ह्वेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, कितने साल तक भाई, जो ह्वेनसांग था कितने साल, 15 वर्षों तक रहता है, और लगभग 644 ईस्वी में लगभग वह मध्य एशिया के रास्ते चीन वापस लौट जाता है। और उसने भारत के बारे में देखोगे तो भारत में किस प्रकार से सामंतवाद था उसका वर्णन करता है। भारत में जाति व्यवस्था के बारे में ह्वेनसांग वर्णन हमें करता हुआ दिखाई देता है। शूद्रों की किस प्रकार से स्थिति है, चंडाल है, जल्लाद है, महतर है, इनका भी उल्लेख देखोगे तो ह्वेनसांग हमें करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो खास तौर से यूनानी विवरण और चीनी विवरण, यूनानी विवरण में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैंने बताया था मेगस्थनीज, और चीनी विवरण खास तौर से ह्वेनसांग और फायानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ जो दक्षिण अरब से जो यात्री आए थे, अरब यात्रियों में खास तौर से अगर हम बात करें तो आप लोग अल बिरूनी को और इब्न बतूता को लिख सकते हैं। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था 1333 में आया था, और एक दिल्ली सल्तनत काल जब चले थे उस काल में आता है। ठीक है, और ये इसने भी जो इब्न बतूता उसने भी भारत के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन कर रखा है। अल बिरूनी के बारे में ये दो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन, अल बिरूनी और इब्न बतूता, इनके बारे में आप जरूर लिख लेना। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 15 में यूनानी विवरण, चीनी विवरण और जो अरब यात्री हैं, अरब से देखो खास तौर से इसमें अल बिरूनी और इब्न बतूता को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और जो फारसी है, फारसी में जो अब्दुल रजाक हैं, मुझे लगता नहीं कि अब्दुल रजाक के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन खास तौर से मेगस्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, अल बिरूनी और इब्न बतूता हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जिन जिनका मैंने नाम लिया इनको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। इब्न बतूता के बारे में थोड़ा, इब्न बतूता अरबी भाषा द्वारा लिखी गई, उसने भारत की यात्रा कर रखी है, और जो इब्न बतूता है वह 1333 में भारत आया था, और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने सुना है। कला और साहित्य यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन बताता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत की संस्कृति, लोगों के बारे में, आस्था के बारे में, मान्यताओं के बारे में वह काफ़ी अच्छी सारी जानकारी देता है, जो इब्न बतूता है। इब्न बतूता एक पर्यवेक्षक था, उसने भारत के बारे में काफ़ी इतिहास लिख रखा अगर आप देखेंगे। और अगर मैं इब्न बतूता की बात करूं तो हम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा विदेशियों को दिए जाने वाले सम्मान का भी बताता है, और भारत में कैसे प्रेम था, यहाँ की यात्रा कैसे होती थी, यहाँ की सभी चीज़ों के बारे में उसने लिख रखा है। इब्न बतूता के थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसको कह सकते हैं कुछ समय के लिए काजी भी बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको बना था काजी बना दिया था। इब्न बतूता के बाद अगर देखोगे अल बिरूनी, अल बिरूनी थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखा मोहम्मद बिन अहमद, ये जो अल बिरूनी इसको भी लिख सकते हैं, एक विद्वान था जो महमूद गजनी के साथ 1337 में वो आया था। अल बिरूनी ने भारत के बारे में कई सारा उन्हें वर्णन कर रखा है, और इसकी जो किताब है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबको बता कि इसने भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में इसने काफ़ी वर्णन कर रखा है। इसकी बुक जो है तहकीकात ए हिंद काफ़ी फेमस हुई है। और अल बिरूनी भारत के बारे में, अल बिरूनी जो है भारत की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसे है, हमारा दर्शन कैसे है और हमारा इतिहास कैसे है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो अल बिरूनी ने बाकायदा क्या कर रखा, वर्णन कर रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 क्या है, यूरोपीय यात्रा वृत्तांत। और यूरोपीय यात्रा वृत्तांत सबसे पहले अफानासी निकेतन की बात करते हैं। अफानासी निकेतन एक रूसी व्यापारी था जिसने 15वीं शताब्दी में भारत की इसने यात्रा की। वह लेखक भी था और वह समुद्र पार करके भारत पहुंचा था। ठीक है, और वास्को डी गामा से 25 वर्ष पूर्व वह भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला मूल रूप से व्यक्ति था। सन 1666 से लेकर के 1475 तक लगभग 3 वर्षों तक देखोगे तो वह भारत में रहा, और भारत के बारे में उसने क्या किया है, लेखन किया है। निकेतन ने भारत आने से पूर्व, निकेतन जो अफानासी निकेतन है, भारत आना नहीं चाहता था, लेकिन कई कुछ परिस्थितियां बनती, संयोग उसने भारत की यात्रा की है। और जो अफानासी निकेतन है, भारत के लोगों की संस्कृति कैसे है, सभ्यता कैसे है, समाज कैसा है, धर्म कैसे है, इसके बारे में इसने लिखा है। और भारत के लोग कैसे हैं और यहाँ के निवासी क्या हैं उनके बारे में बताता है। भारत के लोगों की वेशभूषा कैसे है, यहाँ का माहौल कैसा है, और हम लोग जो कपड़े पहनते, परिधान पहनते थे, उनके बारे में भी क्या करता है, अफानासी जो निकेतन है वर्णन करता था। यहाँ के लोग देखोगे तो मांस, पक्षी, मछली, अंडे खाते थे, लेकिन कुछ लोग गाय का मांस नहीं खाते थे, इस बात को कौन बताता, अफानासी निकेतन कहता है। ठीक है, और जो लोग मांस नहीं खाते, खास तौर से उनको ब्राह्मण या उस टाइप के लोगों को वो बताता है।
ठीक है, ये कौन बताता? अफानासी निकेतन। अफानासी कहता है कि यहाँ पर लोग धर्म में काफी विश्वास करते हैं, धार्मिक धर्म का यहाँ पर बोलबाला उसको ज्यादा दिखाई पड़ता। खास तौर से अफानासी निकेतन जो है, अगर आप लिखेंगे कि एक रूसी व्यापारी था जो 15वीं शताब्दी में आया था, जो भारत की भारत के निवासी कैसे कैसे खान पान है, कैसे पूजा पद्धति है उसके बारे में बताता है, देवी देवताओं के बारे में बताता है, कुछ मूर्ति पूजा को देवता भूत के नाम से बताता है कि यहाँ पर देवी देवताओं की काफ़ी पूजा मूर्ति पूजा भारत में होती थी, इसका बताता है। भारत के जो नगर हैं, जो वाणिज्यिक गतिविधियाँ, इनके बारे में भी अफानासी निकेतन ने बता रखा है। जैसे अगर देखोगे बिदर है, गुलबर्गा है, इसका उसने वर्णन कर रखा है कि किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार होता था। कालीकट का उसने वर्णन कर रखा है, वहाँ पर जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। भारत में अगर देखोगे तो अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जायफल है, मसाले हैं, इनका खूब व्यापार होता था। इसके बारे में उसने क्या कर रखा, वर्णन कर रखा। भारत में घोड़े हैं, रेशम है, जरी के वस्त्र हैं, ये बाहर से आते थे, ठीक है, ये खड़े हैं। और अफानासी जो निकेतन है, भारत के लोग कैसे हैं उनको बारे में बताता है, और यहाँ पर व्यापार कैसे था, उन चीज़ों का उसने क्या कर रखा, वर्णन कर रखा है, ठीक है। अगला जो आप देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो है अफानासी निकेतन बाद अगला देखेंगे, डोमिंगो पयास और नूनीज को लेकर के हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। डोमिंगो पयास जो है वह कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, यानी जब आप हमारे देश में कृष्णदेवराय शासनकाल जब चल रहा था, यानी विजयनगर साम्राज्य जब चलता था, तब डोमिंगो पयास आया था, और वह एक पुर्तगाली यात्री था, और कह सकते विजयनगर साम्राज्य कैसा उसके बारे में इसने खूब वर्णन कर रखा है। खासतौर से विजयनगर साम्राज्य में जिस प्रकार से साम्राज्य है, जिस प्रकार से भवन है, नगर है, उनका वर्णन करता है, और विजयनगर में होने वाले जो उत्सव थे, खासतौर से यहाँ पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, उसका भी वर्णन करता है। विजयनगर में राजा या जो विजयनगर के जो राज शासक हैं कृष्णदेवराय, उनके बारे में उनका शरीर कैसा है वो बताता है कि काफ़ी लंबे व्यक्ति हैं, गोरी सूरत है, मोटा और पतला होने के बावजूद उनके जो छरहरे हष्ट पुष्ट उनका शरीर है, लेकिन कृष्णदेव के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। यानी बताता कि जो कृष्णदेवराय उनके चेहरे पर, क्या भाई हो नहीं जाता चेचक, यानी जो माता निकल आती है उसके जो धब्बे हैं वो पड़े हुए, इसके बारे में कौन बताता है, ये डोमिंगो पयास ही बताता है। यानी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आता है, और जो विजयनगर साम्राज्य उसके बारे में उसने क्या कर रहा, उसने सारा वर्णन कर रखा। अगला जो अगर आपके हमारे जो आती हैं नूनीज फरनाऊ, अगर मैं नूनीज फरनाऊ की बात करूँ तो ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया था, ठीक है, ये घोड़ों का व्यापारी था, और इसने विजयनगर साम्राज्य में लगभग 3 वर्ष रहा, और विजयनगर के बारे में इसने भी सारा ही वर्णन कर रखा है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कैसा था, उसका प्रशासन कैसा है, शासन कैसा है, और किस देवराज जो हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन। तो खास तौर से अगर आप देखोगे दो लोग, डोमिंगो पयास और नूनीज, एक इनका खास तौर से विजयनगर साम्राज्य विजयनगर में आए थे और कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए हैं, ठीक है, और जो राजधानी है उसका इन्होंने क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है, ठीक है, और उनके बारे में इन्होंने बता रखा दोनों लोग, ठीक है, चाहे डोमिंगो पयास है और चाहे नूनीज फारनाओ नूनीज है, दोनों इसी को लेकर के लिखेंगे, ठीक है। अगले जितने हैं, सर टोमस रो, पोलसेट, टर्बनियर, बर्नियर, मनुची, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये सारे मुगल काल में आए हैं, मुगल काल में आए हैं, जब भारत पर मुगल शासन चल रहा था। जितने लोगों का नाम लिया, सर टोमस रो, पोलसेट, टर्बनियर, बर्नियर, मनुची, इक्वल जितने लोग हैं सभी को नाम को एक नॉर्मल है। अब देखना, सर टोमस रो जो हैं वह जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है, 1616 में मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। अहमदनगर और अजमेर में अनेक स्थलों का उसने भ्रमण किया है, किसका, सर टोमस रे। सर टोमस रे अगर बात होगे तो सन 1615 में वह भारत आए हैं। सर टोमस रे ने स्वदेश भेजे गए पत्राचार के दो तरह के पाठक मिलते हैं। अगर मैं सर टोमस रो की बात करूं तो ये जो जहांगीर का शासनकाल है उसके बारे में इसने पूरा वर्णन कर रखा है। यहाँ पर राजा कैसा है, शासन कैसा है, मुगल दरबार के बारे में उसने काफ़ी अच्छी तरह से वर्णन कर रखा, मुगल दरबार कैसा है, यहाँ पर जो राजा किस प्रकार से है, धर्म धार्मिक परिवर्तन को पसंद नहीं करता है कि सर टोमस रो ही बताता है। देखो, रो कहता है कि यद्यपि शराब का नशा आम वर्ग और गौरवपूर्ण बुराई थी और राजाओं की आदत है, तभी भी इतनी कठोरता से प्रतिबंध था कि कोई भी व्यक्ति गुलरेज गुसल खाने में
जहाँ बादशाह बैठता था शराब पी करके दाखिल नहीं हो सकता था। देखो सर टॉमस रो कहता है कि भारत में ना जो शराब है, शराब पी जाती थी, राजा महाराजा भी पीते थे, लेकिन कोई व्यक्ति शराब पी करके गुसलखाने में, राजा के दरबार में कोई व्यक्ति शराब पी करके नहीं जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता था जो शराब पी करके जाता था तो उसको कोड़े मारे जाते थे, उसको पीटा जाता था। इस प्रकार के बारे में कौन, सर टॉमस रे ही वर्णन करता है जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद अगला जो है पोलसेट हैं। अगर मैं पोलसेट की बात करूं तो इनको देखोगे तो भी उसी प्रकार से आए थे, उसी समय के काल में जो बंगाल के बारे में, लाहौर के बारे में, जो नील उल का जो उत्पादन होता उसके बारे में इसने लिखा है। ठीक है, पोलसेट आगरा का बहुत रोचक वर्णन इसने कर रखा है, वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएँ कैसे हैं उसका, उसके बारे में उसने बता रखा है। ठीक है, भारत की सामाजिक स्थिति, जो दस्तगार हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, उनके बारे में ज़्यादातर वर्णन है। अगर मैं टर्बिनियर की बात करूँ तो टर्बिनियर भी 17वीं शताब्दी में उसने भारत की यात्रा की थी और मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। कौन टर्बिनियर, किसके शासनकाल में आया है, शाहजहाँ के शासनकाल में, जिसने 6 बार, टर्बिनियर भारत में 6 बार आया था, 1641 से 42 तक, 45 से 47 तक, 1651 से 54 तक, 1657 से लेकर के 61 तक और 1665 से लेकर 57, यानी लगभग 6 बार उसने भारत की यात्रा कर रखी है। किसने, टर्बिनियर ने, और कई बार आया है। और मुगल ये किसके शासनकाल में आया था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में आया है। और टर्बिनियर ही अगर आप देखोगे तो कौन सा, जो औरंगजेब और जो दारा सिको का जो युद्ध होता है उसके बारे में टर्बिनियर ने ही वर्णन कर रखा है, उसी को बारे में बताता। उसके बर्नियर हैं, बर्नियर भी अगर बात करूँ तो ये भी मुगल काल में ही आया था और शाहजहाँ के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं दारा सिको की चिकित्सक के रूप में इसने काम किया था। किसने भाई, बर्नियर, बर्नियर डॉक्टर था, जो दारा सिको थे ना उनका फैमिली डॉक्टर बन गया था। कौन, ये बर्नियर। ठीक है, बर्नियर जब आया था और ये मुगलों के बारे में काफ़ी अच्छा इसने वर्णन कर रखा। और अगला जो हमारे मनुची हैं, अगर मैं मनुची की बात करूँ तो ये भी उसी समय शासनकाल में आया है और कह सकते हो कि जो ये अगर देखोगे तो इसने दिल्ली का वर्णन कर रखा और जब औरंगजेब शासक था उस समय लगभग आया है। तो जितने लोगों का मैंने लास्ट में देखो, मनुची जो मुगल हरम है या जो मुगल राज व्यवस्था है उसके बारे में काफ़ी बता था, हरम बता रखा ना कि भाई जो मुगल ये जो जहां आ रहा है, जहां आ रहा के बारे में काफ़ी वर्णन करता है। और ख़ास तौर से जो मनुची हैं, मनुची के बारे में खास तौर से याद रखना, मनुची ही औरंगजेब के बारे में बताता है और बताता कि जैसे नूर जहाँ के बारे में या जहाँ आरा के बारे में, जहाँ आरा कौन है, औरंगजेब की क्या है, इसकी वो है बहन है। ठीक है, शाहजहाँ की लड़की है। जहाँ आरा के बारे में तो जहाँ आरा को बताता कि जहाँ आरा का जो व्यक्तित्व तो है एक बहुत धनी है। ठीक है, जहाँ आरा व्यापार भी करती थी, जहाँ आरा ने कभी शादी नहीं करके, और ख़ास तौर से जहाँ आरा और शाहजहाँ में एक प्रकार से रिलेशन था, इस बात को काफ़ी इतिहासकार लिखते हैं। ठीक है, इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जहाँ आरा शाहजहाँ में जिस प्रकार से रिलेशन थे उसको बताते हैं। और ख़ास तौर से इस बात को लिखना, मनुची ही है जो ख़ास तौर से औरंगजेब के शासन, यानी जहांगीर औरंगजेब जब था तब आता है, और जहाँ आरा महिलाओं का जो एक प्रभुत्व था, जैसे हमें यूरोप में नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन यहाँ पर महिलाओं का जो प्रभुत्व था वो बताता है। सूरत का उसने वर्णन कर रखा है और मनुची जो कह सकते हैं यहाँ पर संगीत के हैं कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, उसका सारा उसने वर्णन कर रखा, खास तौर से मनुची। दारा सिको, खास देखना, दारा सिको के साथ जो कह सकते जो युद्ध होता उत्तराधिकार का युद्ध है उसका वर्णन किसने कर रखा, मनुची ने ही कर रखा, निकोलो मनुची, मनुची ही बताता है दारा सिको का और जो औरंगजेब का जो युद्ध है बताता है। और ये भी बताता है, खासतौर से आप सबको मैं बता दूँ, मनुची कहता है कि जब सब आप सबको पता हो कि भाई दारा सिको हार गए थे, दारा सिको हार गए थे तो दारा सिको का ना सर कटवा करके किसको, किसके पास, शाहजहाँ के पास गिफ्ट भेजा था पिताश्री के पास ले जाओ। पिताश्री ने उनको यानी उसके पास फादर, अपने साथ फादर के पास उनका धड़ भेजा था, गला काट करके भेजा था, गिफ्ट में भेजा था। और जब उसके सामने शाहजहाँ के सामने जब भेजता है तो शाहजहाँ तो बेचारे देख करके रोने उने लग जाते हैं। ठीक है, यानी पूरा गर्दन ही भेजा था। अरे जब तक इसने दारा सिको का धड़ा नहीं देखा तब तक इसको यकीन नहीं पड़ता, इसने सर कटवा दिया था। दूसरा, जहाँ आरा, ठीक हो, देखो इसकी बहन है, जहाँ आरा को इसने पूरा खुला छूट दे रखा है, मुगल हरम की जो पूरी जिम्मेदारी थी जहाँ आरा ही देखा करती थी। ठीक है, क्योंकि शाहजहाँ की अगर बात करो तो शाहजहाँ उतना अपनी पत्नी को उसने महत्व नहीं दिया है, लेकिन जहाँ आरा को बिल्कुल मानता था, ये सच्चाई है।
जहांआरा ने कभी शादी नहीं की है। जहांआरा का जो वार्षिक वेतन होता था उस समय कह सकते मुगल में सबसे ज्यादा मिलता था, खास तौर से जहांआरा की बात करूं तो कह सकते लास्ट में जो मुगल बादशाह है औरंगजेब के बारे में, जहांआरा के बारे में खास तौर से कह सकते कि शाहजहां में जहांआरा में किस प्रकार से रिलेशन थे, किस प्रकार से संबंध थे, उसके बारे में इसने लिखा है। एक कई सारे इतिहासकार कहते हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे इतिहासकारों ने इस प्रकार के आरोप लगाए कि शाहजहां जहांआरा में आरोप थे, जहांआरा की इसलिए शादी नहीं हुई, जहांआरा में कभी शादी नहीं करी जैसे आपको था, या कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि जहांआरा के व्यक्तित्व बराबर कोई व्यक्ति नहीं था इसलिए जहांआरा ने शादी नहीं करती, लेकिन जहांआरा व्यापार करती थी और मुगल हरम की सारी जिम्मेदारियां उसी के पास थी। और जब कह सकते कि जब शाहजहां की जो पत्नी है, जो अगर और कह सकते जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका जो आधा पैसा होता था जहांआरा को मिलता था, लगभग उस समय कह सकते 10 लाख रुपए उनको क्या मिलता था, पैसे दिए जाते थे, किसका मंथली मिलता था, यानी सबसे ज़्यादा पैसा। और उनकी जो सामाजिक स्थिति है काफ़ी उसका उसने अच्छा वर्णन कर रखा है, ठीक है। किसने कर रखा है, ये मनुची ने, ठीक है, ये सारी बातें यही बल लिखता है। चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 क्या है, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तो बरनी के बारे में खास तौर से जो हमें देखना है, बरनी की इतिहास संबंधी धारणा देखिएगा। इतिहासकारों के गुण बरनी का मत है। बरनी कहता कि एक अच्छे इतिहासकार को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। बरनी कहता कि जो इतिहासकार हो वो सच्चाई को लिखना चाहिए। और बरनी कहता अतिशोक्ति तथा शाब्दिक की भाषा की अपेक्षा करते हुए अपने कथन को सटीक लिखे। बरनी कहता कि अगर कोई व्यक्ति इतिहास लिखता है तो उसको सत्य लिखे, झूठी मत लिखे, अफवाह ना फैलाए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर आप बरनी देखेंगे तो अतिशयोक्ति तथा शाब्दिक की भाषा की उपेक्षा करते हुए कहता है सटीक में लिखना चाहिए। बरनी कहता है कि बरनी स्वतः ही चापलूक सा दिखाई पड़ता है। कई सारे ग्रंथों में लोग कहते हैं कि इतिहास के संबंध में उसकी धारणा इतिहास के अतीत की घटनाओं से सीख लेने की प्रेरणा देता है। बरनी कहता है कि उच्च कुल के अहंकार सेवा कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाया, जो बरनी हमेशा उच्च कुल की बात करता है। और बरनी कहता कि जो उच्च कुल के लोग हैं उन्हीं को पढ़ने का, लिखने का, शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। बरनी जो निम्न कुल के लोग होते हैं उनको लेकर के उसका बिल्कुल दूसरा मत है, ठीक है। बरनी अपने समय के एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो इतिहास से लाभ, इतिहासकारों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की बात करता है, ठीक है। उसने पहली बार राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के इतिहास के घटनाक्रमों के कारण परिणाम का विश्लेषण किया है। अगर मैं बरनी की बात करूं तो बरनी के लेखन में पूर्वाग्रह, पक्षपात और कट्टर इस्लामी दृष्टिकोण है, यानी बरनी जो है कट्टर इस्लामिक दृष्टिकोण उसमें दिखाई पड़ते हैं, इस्लाम के प्रति क्या कट्टरता है बरनी में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में वो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, दिल्ली सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इतिहासकारों में बरनी है, ठीक है। यद्यपि उसके कथनों में कई जगह पर हमें अंतर विरोध दिखाई पड़ता है, किसके बरनी में। इलियट और डाउसन का मत है कि अभिलेखों तथा समकालीन ग्रंथों का परीक्षण करके सारांश निकालने की जिज्ञासा बरनी में नहीं थी, वह उसे गलत तिथियों के अव्यवस्थित लेखक मानते हैं। नहीं, कई सारे इतिहासकार मानते हैं जो बरनी है पूरी तरह से पक्षपाती आदमी है, जो सारांश नहीं निकालता, ऐतिहासिक की बात नहीं करता। निजामी कहते कि बरनी ने प्रत्येक अध्याय के आरंभ में मलिकों और खानों की सूची दी है, यानी कहता है। और बरनी कहता है कि ज्ञान जो है किस श्रेणी में रखता है, यानी जो ज्ञान है वह माकुलत यानी मुकालत की बात करता है। देखो, अगर मैं बरनी की बात करूँ तो बरनी खास तौर से कहता है कि जब कोई व्यक्ति इतिहास लिखे तो उसको सत्य लिखना चाहिए। बरनी के अनुसार सारभूत रूप में इतिहास का ज्ञान नहीं है जो मुस्लिम पैगंबर तथा उसके साथियों के मानता है। बरनी के लिए इतिहास प्रथम लाभकारी है क्योंकि यह मुख्यतः पैगंबर सुल्तानों को लाभ पाने का जरिया है। देखोगे बरनी जो कहता है कि एक प्रकार से कट्टर इस्लामी की बात करता है, इस्लामिक विचार इसमें ज़्यादा हैं। और दूसरा, अगर मैं बरनी की बात करूँ तो बरनी कहता है कि जो उच्च कुल के लोग हैं, जो बड़े कुल के लोग हैं, उन्हीं को शासन करना चाहिए, उन्हीं को राजा बनना चाहिए, उन्हीं को ही क्या करना चाहिए, उन्हीं को शिक्षा का अधिकार है। बल्कि जो निम्न कुल के लोग हैं वह कभी शासक नहीं बन सकते हैं, कभी राजा नहीं बन सकते हैं, उनको शिक्षा संबंधी अधिकार नहीं मिलने चाहिए। यही अगर आप देखेंगे तो बरनी की जो उच्च कुल की जो है और निम्न कुल की जो धारणा है, शायद एक बार एग्जाम में आ भी चुका ना, तो इसकी यही धारणा है, ठीक है। उच्च कुल को लेकर के निम्न कुल के, यानी एक प्रकार से ये उच्च कुलीन जो मानसिकता है इसमें पूरी घर कर गई, किसमें, बरनी में। इसलिए यानी कह सकते कि बरनी निम्न कुल के लोगों के प्रति अधिक कटुर था, इसलिए उसने अज्ञानतावश के व्यक्ति के द्वारा लिखे गए इतिहास पर विश्वास करना अनुचित है। वह तर्क देता है कि ऐसा सुल्तान जो निम्न कुल के लोगों से संबंध रखता है वह अपने शासन में स्थिरता और इस्लाम की सर्वोच्चता को खतरा पहुंचाएगा। यानी देखो, बरनी कहता कि अगर कोई ऐसा राजा है जो निम्न कुल के लोग हैं,
अगर उनकी बातें मानता है, उनकी बातें सुनता है, तो वह राजा अच्छा नहीं है, वो इस्लाम के लिए क्या है, खतरा है। अगर कोई राजा निम्न कुल के बारे में सोचता है, निम्न कुल की बात करता है, तो वह राजा अच्छा नहीं, वह क्या है भाई, राजा जो है इस्लाम के लिए खतरा मानता है। बर्नी कहता है कि निम्न कुल के प्रति ऐसी कड़वाहट का गहरा भाव नहीं है जैसा बर्नी में नजर आता है। यानी बर्नी एक प्रकार से आप देखोगे तो जो निम्न कुल के लोग हैं उनके प्रति एक प्रकार से वो उनको बेहतर नहीं मानता है, वो मानता कि जो उच्च कुल के लोग हैं उन्हीं को शासन करना चाहिए, उन्हीं को प्रशासन करना चाहिए, या उन्हीं को शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार सिर्फ जो उच्च कुल के लोग हैं या ऊंची जातियों के लोग हैं उनको ही मिलना चाहिए, जबकि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बर्नी इस बात के कहता है। बर्नी की अगर मैं धर्म की बात करूँ तो बर्नी इतिहास लेखन को सर्वप्रमुख विशेषता धार्मिक दृष्टिकोण है। बर्नी भी अन्य मुस्लिम इतिहासकारों की तरह प्रत्येक चीज़ के लिए कुरान और पैगंबर का श्रेय देने को बाध्य काफ़ी गहरा है। बर्नी अपने समय में धर्मशास्त्र में प्रशिक्षण था, शरीयत पर आधारित शासित सत्ता का विश्वास था। यानी बर्नी कहता कि जो शासन, जो नियम चले, जो शासन चले वह इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बर्नी शरीयत के शासन पर जोर देता है। बर्नी कहता कि राजत्व तथा धर्म का जुड़ाव है। बर्नी कहता कि जो राजा है उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा बर्नी कहता है इस्लामिक राज व्यवस्था में खिलाफत की केंद्रीय भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो काफ़ी विचित्र है। बर्नी मंगोलों द्वारा बगदाद के खलीफत को नष्ट किए जाने का प्रभाव हो सकता है। बर्नी फतवा में महमूद अपने पुत्रों को सलाह देता है कि जिस प्रकार से देखो बर्नी, अगर देखोगे तो बर्नी खास तौर से इस्लाम का कट्टर समर्थक है और कहता कि जो शरीयत है उसी के आधार पर राजा को शासन करना चाहिए। कौन कहता? बर्नी कहता। बर्नी कहता कि शराब बनाने पर रोक लगनी चाहिए, वैश्यावृत्ति पर, नाच गाने पर इत्यादि चीज़ों पर प्रतिबंध की सलाह देता। यानी एक प्रकार से देखो, आप सबको पता कि इस्लाम में भैया शराब हराम है, नाच गाना हराम है, संगीत बैन है। तो बर्नी कहता है कि राजा को शराब पर प्रतिबंध लगाने देना चाहिए, नाच गाने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, इस प्रकार की सलाह देता है। बर्नी व्यवहारिक तथा नर्म दिखाई पड़ता है। अगर पाप के धंधे में लगे लोग निष्कृष्ट स्थानों पर बने रहेंगे तो उनके पाप नज़र में आएंगे। ऐसे लोगों को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, अथवा उनके कई धूर्त लोग हैं जो अपनी कामोच्छा से बल अकादमी। देखो बर्नी अगर देखोगे तो बर्नी पूरी तरीके से धार्मिक विचार हैं। बर्नी के क्या हैं? धार्मिक विचार हैं। यानी इस्लामिक विचारों को मानता है, शरीयत के पालन पर जोर देता है। यानी अगर राजा शासन चलाए, प्रशासन चलाए, तो किस आधार पर चलाना चाहिए? जो इस्लामिक नियम है, जो कानून है, उसके आधार पे वो शासन प्रशासन को चलाना चाहिए। इसकी बात कौन कहता है? बर्नी कहता है। ठीक है, बर्नी कहता है सुल्तान को केंद्रीय स्थान है। बर्नी के लिए कहता है जो सुल्तान, जो राजा, उसका केंद्रीय स्थान है। राजा और उसकी प्रजा के बीच में परस्पर दायित्व के सामने नहीं आते हैं। अपनी फतवा में, इसकी जो बर्नी की बुक है फतवा जहांगीरी, उसमें बर्नी प्रशंसा करते हुए लिखता कि पादशाह ईश्वर की आश्चर्यजनक रचना है। उसमें से ईश्वर अच्छी और बुरी दोनों तरह परिस्थितियां हैं, अतः सुल्तान के चरित्र के अनुरूप राजत्व में अच्छा या बुरा हो सकता है। देखो बर्नी कहता है कि जो राजा है वो सीधा परमात्मा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, और राजा जो काम करता है वह बिल्कुल सही करता है, यानी राजत्व की बात करता है। ठीक है, बर्नी ने राजतंत्र में प्रतिष्ठा तथा सुल्तानों द्वारा भव्यता और शान शौकत का प्रदर्शन करने पर बल दिया है। बर्नी कहता कि जो राजा महाराजा शान शौकत करते हैं, जो दिखावा करते हैं, इन पर उसने काफ़ी बल दिया है। एक विचार जो संभवतः बलवन द्वारा दिए गए हैं, ऐश्वर्य और शान शौकत के प्रदर्शन की सफलता बर्नी के मस्तिष्क में भरा होगा। वह महमूद से कहता कि ऐश्वर्य और शान शौकत का प्रदर्शन यद्यपि इस्लाम में नापसंद किया जाता है, अब भी शासकों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार वह कह सकते हो कि बलवन की जबान से व्यक्त करता है। जब तक कोई सुल्तान दरबार में आयोजन और कठोर शिष्टाचार को कानून से लागू करने में सम्राटों का अनुसरण नहीं करेगा, वह प्रजा के लिए बीच आवश्यक भय पैदा नहीं कर पाएगा। देखो बर्नी कहता है कि राजा को बहुत ज़्यादा भव्यता दिखानी चाहिए। बर्नी कहता है राजा को ना इतनी ज़्यादा भव्यता था कि जनता एक प्रकार से डर के रहे। बर्नी कहता कि राजा को बहुत ज़्यादा ठाट बाट, ऐसराम, इस प्रकार चीज़ें हैं। और बर्नी कहता है कि राजा को एक प्रकार से जनता में अपना रुतबा जो है उसको कायम रखना चाहिए, ताकि जनता में एक प्रकार से जो डर है, जो भय है, वो बना रहे। बर्नी कहता कि राजतंत्र दुर्बलताओं का सुपरिचय देते हुए कहता कि
कि इसका समर्थन करता है, क्योंकि उसके अनुसार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई अन्य उपाय। बर्नी जो है राजा के महत्व को बताता है, राजतंत्र ही सबसे ज्यादा उपयोगी है, और बर्नी देखोगे धार्मिक विचार है, कट्टरता है, तथा बर्नी के जो उच्च कुल के लोग हैं उन्हीं को राजा बनना चाहिए, उन्हीं को शासन प्रशासन चलाना चाहिए, उन्हीं को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार देता है, बल्कि जो निम्न कुल के लोग होते हैं उनको सिर्फ मेहनत मजदूरी काम करना चाहिए, बल्कि उनको पढ़ाई लिखाई करने का कोई भी अधिकार नहीं जो निम्न कुल के लोग हैं। और बर्नी कहता है कि इतिहासकार वही है जो सत्य लिखता हो, जो सच्चाई लिखता हो, या जो सत्य की बातें करता हो। इतिहास लिखने के लिए हमें सत्यता पर ध्यान रखना चाहिए, झूठी बातें, कपोल कल्पी बातें, यानी गलत बातें हमें इतिहास में नहीं लिखनी चाहिए। खासतौर से बर्नी की जो बुक है आप देखोगे फतवा ए जहांगीरी, जिसमें मुस्लिम सुल्तानों या दिल्ली के सुल्तानों का इस्लाम के प्रति कर्तव्य बताता है, यानी बर्नी कहता है कि जो राजा है उसको इस्लाम के नियमों का पालन पोषण करना चाहिए, यानी जिस प्रकार से इस्लाम में राजा का नियम है, कानून है, उसी प्रकार से इस्लामिक कानून माना चाहिए। राजा को एक प्रकार से शराब बनाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, राजा जो इस्लाम में जिस प्रकार से संगीत हराम है, संगीत बंद कर देना चाहिए, इस प्रकार की बातें कौन करता है? बर्नी करता है। तो बर्नी आपके लिए क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्नी को लेकर के अभी कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। नंबर 13 मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ठीक है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो इन्होंने 1600 के आसपास इन्होंने अपना इतिहास लिखा है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है तारीख। बुक का नाम क्या है याद रखना, एक ही बुक इन्होंने लिख रखी है जो इन्होंने लिख रखी तारीख। फरिश्ता द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास तारीख है फरिश्ता के नाम से जाना जाता है, जिसको तारीख के नाम से इनकी बुक। फरिश्ता की तारीख 17वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों के बीजापुर दक्कन सुल्तानों के मुस्लिम शासन के बारे में इन्होंने फारसी में लिख रखा है। यह कृति जो है वह कह सकते 12 भागों में बटी हुई है, यानी मोहम्मद कासिम जो फरिश्ता हैं उन्होंने भारत के जो मुस्लिम राजवंश उसके बारे में उसने पूरा लिख रखा है। और इसकी जो बुक है तारीख़ फरिश्ता वो 12 पार्टों में बटी हुई है। किस कितने पार्टों में भाई? उसके 12 पार्ट हैं, जिसमें से गुजरात को लेकर के 4 पार्ट हैं, गुजरात को लेकर के 4 पार्ट लिख रखे हैं, मालवा के लेकर के 5 पार्ट लिखा है, बुरहानपुर को लेकर के 6 पार्ट हैं, बंगाल और जौनपुर के लेकर के 7 पार्ट हैं, सिंध थट्टा और मुल्तान को लेकर के 8वां 9वां पार्ट लिखा गया है, कश्मीर को लेकर के 10वां पार्ट है, और मालाबार को लेकर के 11वां पार्ट इसमें शामिल किया गया। और ध्यान रखिएगा इस बुक में अगर आप देखेंगे तो भारत में धर्मात्माओं का एक पूरा अध्याय जोड़ा गया जो उसका 12वां पार्ट में लिखा गया है, ठीक है। और मोहम्मद कासिम फरिश्ता की जो बुक है अगर उसमें देखेंगे हिंदुस्तान के चित्रण किया गया, साथ साथ हिंदुस्तान में फरिश्ता, हिंदुस्तान की विविधता तथा इसके विस्तार के बारे में उपसंहार तथा हिंदू राजाओं की एक सूची भी प्रदान करता है, ठीक है। यानी कह सकते कि जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता उन्होंने एक बुक लिखी, क्या लिखी है खासतौर से, बुक का नाम क्या है? तारीख है फरिश्ता। और इनकी जो बुक है तारीख है फरिश्ता में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 12 भागों में लिखा है, इसमें 12 पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें चौथे पार्ट में गुजरात के बारे में, पांचवे पार्ट में मालवा के बारे में, छठे पार्ट में बुरहानपुर के बारे में, दोबारा बोल रहा हूँ, सातवें पार्ट में बंगाल जौनपुर के बारे में, सिंध थट्टा और मुल्तान के बारे में 8वां 9वां पार्ट है, 10वां पार्ट जो चैप्टर कह सकते हो आप, कह सकते हैं एक प्रकार से 10वां जो पार्ट है कश्मीर के बारे में, 11वां पार्ट है मालाबार के बारे में, और जो 12वां है उसमें भारत में धार्मिक चीज़ें कैसी थी उसके बारे में इसने लिख रखा है। और जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता है उसने मुस्लिम जो इतिहासकार हैं खास तौर से अगर आप देखोगे जैसे मुकल महाबानी है, आदिल शाह हैं, निजाम शाही है, कुतुबुक शाही है, इदाम शाही है, इनके बारे में इसने क्या खास तौर से इन्होंने वर्णन कर रखा है। यदि फरिश्ता की तारीख की संपूर्ण रचना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यह निजामुद्दीन अहमद जो उसके समकालीन इसको माना जाता है मोहम्मद कासिम फरिश्ता को। मोहम्मद कासिम फरिश्ता की अगर मैं बात करूं ये इतिहास के बारे में क्या बोलता है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता कहते हैं भारत का इतिहास मुस्लिम इतिहास के अंतर्गत दरबारी इतिहास है। यानी कह सकते मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने जो इतिहास लिखा है सिर्फ किसका इतिहास लिखा है? जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, और खास तौर से दरबारी इतिहास लिखा। दरबारी इतिहास का मतलब समझते हो, राजा महाराजा के बारे में बता रखा है, राजा कैसा है, शासक कैसा है, उसके बारे में इसने ज़्यादा लिख रखा है, ठीक है। फरिश्ता की पूर्व आधुनिक जो इसने लगभग अगर देखोगे यूरोपीय इस्लामिक दुनिया में भी इसने लिख रखा है। ये इसने राजाओं के बारे में, शाहजादों के बारे में, अमीरों के बारे में ध्यान में रखा है। यानी जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता है राजा के बारे में लिखता है, अमीरों के बारे में लिखता है, जो शाहजादे होते हैं, जो राजा दरबार होता है उसके बारे में इसने सारा अपना इतिहास लेखन किया है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अभिजात वर्ग जैसे विद्याशास्त्री शिल्पकार किसानों, नहीं कह सकते जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो जैसे विद्वान है,
जो शिल्पकार हैं, आम लोगों के बारे में इसने कुछ भी नहीं लिखा है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता सिर्फ किस प्रकार का इतिहास लिखता है, अगर आप देखेंगे तो वंशवादी इतिहास लिखता है, राजा के बारे में बताता है, यानी कह सकते कि राजा कैसा शासक है उसके बारे में लिखता, आम लोगों के बारे में, आम लोग कैसे हैं, आम जनता कैसे, उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं लिख रखा है। फरिश्ता अपनी पुस्तक में गजनवी सुल्तान मोहम्मद तथा उसके ज्योतिष अबुल रेहन अल बुरूनी के बारे में उसने काफ़ी लिख रखा है, जिसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो है, अगला देखिएगा, अगर हम मोहम्मद कासिम फरिश्ता की बात करूँ तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो है अपनी बुक में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का बड़ी रचना करता है। फरिश्ता की जो बुक है उसमें यूरोपीय ऐतिहासिक दर्शन की रुचि लेने की बात की है, यूरोपीय जो बातें हैं उसको भी, उसका दृष्टिकोण थोड़ा यूरोपीय है। खास तौर से आप लोग याद रखना, जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता है वह वंशवादी इतिहास लिखता है, राजधर्म के बारे में लिखता है, राजा के बारे में लिखता है, राजा कैसा है, शासक कैसा, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लिख रखी हैं, राजदरबार कैसा, आम लोगों के बारे में मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने किसी प्रकार का लेखन नहीं किया है। जिसे आम लोग कह सकते, जो आम लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, महिलाएँ थीं, जो सूफी संत थे, जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे थे, जो कवि थे, या आम लोगों की समस्या के बारे में वो नहीं लिखता है। दूसरा, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने सिर्फ मुस्लिम जो राजा हैं या मुस्लिम जो शासक हैं उन्हीं के बारे में उसने सारा क्या वर्णन कर रखा है। खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता मालवा के शासक जो थे, गुजरात के शासक, बरहानपुर के शासक, जौनपुर है, बंगाल है, मालाबार है, कश्मीर है, सिंध है, थट्टा है, मुल्तान है, इन जो मुस्लिम राजा थे उन्हें के बारे में सारा उसने इतिहास लिख रखा है। हिंदू राजाओं के बारे में भी वह सूची जरूर प्रदान करता है, लेकिन उनके बारे में उसने बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर रखा है। तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता, और ध्यान रखना मोहम्मद कासिम जो फरिश्ता है ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय उनके राज दरबार में रहता था, और बीजापुर में 1490 से लेकर के 1646 तक जो आदिल शाह ने शासन किया, बीजापुर के दक्कनी सुल्तान कलाओं के बारे में मोहम्मद कासिम फरिश्ता, और वह 9 वर्ष में गद्दी, यानी कह सकते कि जो बीजापुर है, यानी कह सकते कि जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे इब्राहिम आदिल शाह, उनके यहाँ पर, उसको यहाँ पर, यानी मोहम्मद कासिम फरिश्ता को संरक्षण मिला है, और कह सकते उसने ज़्यादातर जो मुस्लिम शासक हैं, जो मुस्लिम इतिहास है उसी के बारे में उसने सारा वर्णन कर रखा है। ठीक है, और मोहम्मद कासिम फरिश्ता मुस्लिम इतिहासकारों में कह सकते बहुत फेमस है, जिसने फारसी भाषा में अपना पूरा लिख रखा है। मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो अगर देखो मूल रूप से एक सिया परिवार से आता था, जिसका जन्म 1572 में हुआ था। अपने जीवन काल में उसने दक्कन के सुल्तान, अहमदनगर तथा बीजापुर के सुल्तानों की सेवा की है, जिसके मुख्य कारण से उसकी पृष्ठभूमि रही। अहमदनगर के दरबार में उसके घनिष्ठ संबंध थे, जहां उसका पिता गुलाम था। अहमदनगर की गद्दी पर उत्तराधिकारी जो लोग, नहीं कह सकते जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता है, जो कह सकते कि आपका जो बहमनी साम्राज्य है, उस बहमनी साम्राज्य के इसका जो फादर था ना, जो बहमनी के राजा था, उनके यहाँ पर गुलाम थे। और बाद में मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने ज़्यादातर कह सकते जो मुस्लिम इतिहासकार हैं या जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम राज्य थे, उन्हीं के बारे में लिख रखा है। और दूसरा, मोहम्मद कासिम जो फरिश्ता है अगर आप देखेंगे तो सिर्फ राजा के बारे में लिखता है, राज दरबार के बारे में, आम लोगों के बारे में, जो डेटी आम लोग कैसे हैं, आम लोगों का जीवन कैसा, आम लोगों की समस्याएं कैसे, उनके बारे में उसने किसी प्रकार का इतिहास लेखन नहीं किया है। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट पेपर है चैप्टर नंबर 14 क्या है, अबुल फजल। ठीक है, देखिएगा अबुल फजल के बारे में हम देखते हैं कि, देखिएगा मध्यकालीन फारसी इतिहास लेखन में अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान है। जो अबुल फजल हैं, आप सबको पता कि मुगल काल के एक इंपॉर्टेंट इतिहासकारों में अबुल फजल का नाम आता है। अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं, अकबर के दरबार में और नौ रत्नों में थे। ठीक है, अबुल फजल का जो जन्म है 14 फरवरी 1511 में आगरा में हुआ। इनके पिता जो शेख मुबारक थे, उनका परिवार उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण था, सहिष्णुता तथा ज्ञान उसे उन अबुल फजल को विरासत में मिली थी। 15 वर्ष की अल्पायु में ही ज्ञान और महत्वपूर्ण शाखाओं पर अब उन्होंने अधिकार प्राप्त, किसने, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में सेवा करते हुए अबुल फजल ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की, यानी अबुल फजल क्या है, अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर के जो नौ रत्न हैं, नौ रत्नों में भी अबुल फजल का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इन्होंने भारतीय ईरानी इतिहास लेखन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अबुल फजल की जो महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी, अबुल फजल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो किताबें, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी के कारण अबुल फजल को बहुत प्रसिद्धि मिली। कौन सी बुक, इन्होंने जो आईने अकबरी लिख रखी। अबुल फजल भारत के महानतम इतिहासकारों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी दार्शनिक
दृष्टि से काफ़ी फेमस हैं। अबुल फजल की अगर बात करूँ तो अबुल फजल देखोगे तो इबान अल बुरूनी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें उनमें फिरदौसी या हकीम है सिया जैसे लोगों में काफ़ी विचार परम है। अबुल फजल तो अबुल फजल जो है महाभारत है, धर्मशास्त्र है, ललित कथाएं हैं, पंचतंत्र हैं, इनसे भी काफ़ी प्रभावित थे। अबुल फजल जो है अल अरबी या कह सकते हैं इन पर विश्वास था। उसने नसरुद्दीन तूसी की जो बुक लिखी उससे भी काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। अबुल फजल जो है उनका अगर मैं बात करूँ तो वो इस्लाम के भी काफ़ी फॉलोअर थे। अबुल फजल के विचारों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, यानी अबुल फजल की अगर बात करोगे तो अकबर के शासन काल में थे, दरबारी थे, नवरत्नों में थे। अबुल फजल भी एक दरबारी इतिहासकार है, ये भी दरबार में ही बैठते थे, दरबारी लेखन किया है। और ये भी एक प्रकार से दरबारी इतिहासकारों में बोलूंगा, ये भी दरबारी इतिहासकार हैं अबुल फजल, लेकिन एक प्रकार से उदारवादी हैं, ठीक, थोड़ा उदारवादी हैं, दयालु हैं अबुल फजल। यानी कह सकते हो कि अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो अकबर के राइट हैंड कि हम बात कर रहे हैं अबुल फजल, यानी आप कैसे अकबर के राइट हैंड है भाई अबुल फजल की। जब हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना, तो कह सकते हैं उसी समय अकबर ने खटिया पकड़ ली, जो हम लोग बोलते हैं कि फलाने ने खटिया पकड़ ली, बेड पकड़ लिया, अब तो उठना ही मुश्किल हो गया। उसी प्रकार से जब अबुल फजल की डेथ हो जाती ना तो अकबर को कह सकते खूब सारा धक्का लगता है। अकबर के राइट हैंड अगर मैं किसी व्यक्ति को कह सकते हो कि वह अबुल फजल ही हैं, ठीक है। अबुल फजल की भाषा फारसी है, अगर मैं बात करें भाषा कौन सी भाषा में लिखते हैं भैया, फारसी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। उन्हें इतिहास को धर्म से नहीं बल्कि दर्शन से जोड़ा, यानी अबुल फजल इतिहास को धर्म से नहीं, यानी धर्म को अलग रखते हैं बल्कि दर्शन की बात करते हैं। उनके लिए लड़ाइयां धार्मिक रंग से रंग कर नहीं बल्कि वह एक विनाशकारी है, यानी अबुल फजल का लड़ाइयों में कोई विश्वास नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जो लड़ाई होती, जो युद्ध होता भैया उससे विनाश होता है। अबुल फजल राजनीतिक लड़ाइयों तक सीमित न रख के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी प्रकार की जानकारी, यानी अबुल फजल सिर्फ युद्धों का वर्णन नहीं करते हैं बल्कि अबुल फजल जो हैं राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, सभी प्रकार की परिस्थितियों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अबुल फजल इतिहास के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण है वह अकबर इतिहास से संबंधी धारणा है। अकबर के भीतर स्वयं की उपलब्धियां तथा नाम को अमर बनाना की गहरी आकांक्षा थी। इसी प्रकार तैमूरी परंपरा का अनुसरण करते हुए उन पर भी जो अतीत है, आप सबको पता कि अकबर जो है अपने नाम को बड़ा फेमस बनाना चाहते थे, उसी इस प्रकार की बातें कौन लिखता है, अबुल फजल ही लिखते हैं, ठीक है। अबुल फजल ने पृष्ठभूमि अपनी रचना शुरू किया, अकबरनामा को बारे में उसने लिखा है, जो अकबरनामा लिख रखी है कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मुगल दरबार है अकबर के बारे में, जो पूरी अकबरनामा है उसमें मुगल दरबार कैसे था, मुगल कैसे थे, अकबर कैसे थे, उनका जीवन कैसे था, उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, पूरा अबुल फजल ने सारी चीजें उसमें क्या कर रखी है, लिख रखी है। और अकबर को एक कह सकते हैं कि न्यायप्रिय शासक, न्यायप्रिय राजा के रूप में वह स्थापित भी करते हैं। अबुल फजल का मानना कि जो अकबर का शासनकाल है वह श्रेष्ठ राजा है, धार्मिक राजा है, परोपकारी राजा है, कर्तव्यनिष्ठ राजा है, इस प्रकार से अबुल फजल उसको बताते हैं, किसको, अकबर को लेकर के, ठीक है। अबुल फजल ने इतिहास के प्रति उनका विचार अकबरनामा के दूसरे भाग में व्यक्त किया है, इतिहास को मिथ बनाने की बजाय बुद्धि, यानी अबुल फजल कहते हैं कि इतिहास में मिथ नहीं होना चाहिए बल्कि इतिहास को बुद्धिमानी के साथ लिखा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अकबरनामा को विश्वसनीय यानी शोध करके पूरी अकबरनामा लिख रखी है। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल को आंकड़े का संग्रह कहा है, अबुल फजल ने जो भी इतिहास लिखा है उसमें भैया आंकड़े दिए हैं, नंबर बताए हैं कितना, यानी अगर अबुल फजल लिखता है कि व्यापार होता था तो किन किन चीज़ों का व्यापार होता है उसकी बाकायदा सूची देता है, कौन कौन कितना व्यापार होता था, कितने परसेंट होता था, उस प्रकार की सारी चीज़ें बताता है। यानी अबुल फजल जो है एक प्रकार से सभी आप लोग लिख सकते हैं कि वह बुद्धिमान है और साथ में वह हर चीज़ के आंकड़े प्रस्तुत करता है, आंकड़े दे करके चीज़ों को बताता है, कौन, अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल ने स्रोतों का उल्लेख कम किया, यानी अबुल फजल फैक्ट बहुत कम यानी स्रोत बहुत कम लिखते हैं, लेकिन उसने कई ऐसे विशेष जानकारी ली है। इस प्रकार अगर बोले तो जो अबुल फजल है एक बार से अंग्रेजी के अनुवादक भी रहे, इन्होंने अबुल फजल के लोग इनको अनुवाद भी करवाया गया। अगर मैं अबुल फजल की बात करूँ तो अबुल फजल जो है खास तौर से देखोगे तो अकबर के शासनकाल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे खुरासान के चीज़ों के बारे में या अकबर की जो लड़ाइयाँ थी, अकबर का जो राज दरबार था उसके बारे में लिख रखा है, ये सारी चीज़ें हैं इतिहास के बारे में लिखता। अबुल फजल कहता है कि भाई कि जो इतिहास लिखा जाए बुद्धिमानी से लिखा जाना चाहिए, उसमें मिथ नहीं होना चाहिए, यानी मिथ यानी झूठ फरेब ना लिखा जाए, गलत चीज़ें ना लिखी जाएँ। आगे देखिए, अबुल फजल अकबर का प्रमुख सलाहकार था, सबको पता कि अकबर अबुल फजल कौन है, अकबर के प्रमुख सलाहकार थे।
दरबारी इतिहासकार अबुल फजल जो है अकबर के शासनकाल में ही रहते, दरबारी इतिहासकार जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, उसने अकबर को पैगंबर यानी बादशाह पैगंबर के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे आध्यात्मिक महानता कहा जा सकता है। उसने अकबर को दैवीय के निकट प्रस्तुत किया है, उसने इलाही संबत की घोषणा को दैवीय, देखो अबुल फजल कहता है कि जो अकबर है वो दैवीय राजा है, यानी अबुल फजल कहता है कि जो अकबर है वो दैवीय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, यानी कह सकते हैं कि जनता अकबर के बातों को अवहेलना नहीं कर सकती है, यानी अकबर खुदा के करीब है या खुदा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, इस प्रकार से सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। दैवीय सिद्धांत का मतलब ये होता कि जब राजा जब शासक अपने आप को परमात्मा यानी भगवान का भेजा गया नुमाइंदा बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैवीय सिद्धांत। यानी कहता कि जब कोई शासक बताए, जब कोई राजा बताए कि मेरे अंदर ईश्वरीय गुण हैं या मुझे ईश्वर ने सिर्फ शासन प्रशासन के लिए भेजा ताकि जनता में उस राजा के बारे में जाति जनता उसके बातों को माने, उसको फॉलो करे, उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, इस प्रकार की जो बातें अबुल फजल करता है। अगर बात करें वस्तुतः अकबरनामे में अबुल फजल ने न तो मुस्लिम शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया है न ही इस्लाम के संबंध में कुछ ला। उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि अकबर की नीतियों में एकता है, स्थिरता है और आर्थिक समृद्धि है। अबुल फजल धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, यद्यपि अकबरनामा आईने अकबरी में अकबर को द्वारा संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी देता है, यद्यपि उसने किसानों कामगारों को रहन सहन का पता नहीं चलता है, फिर भी विभिन्न दृष्टियों से अबुल फजल का इतिहास बहुमूल्य है। यानी कह सकते हैं कि अबुल फजल ना इस्लाम के बारे में नहीं लिखता है या बहुत ज़्यादा बने, सिर्फ हुआ अकबर का शासन कैसा है, अकबर की महानता के बारे में या अकबर की जो नीतियां हैं उसके कारण से जो साम्राज्य उसमें एकता है, स्थिरता है, अकबर बहुत न्यायप्रिय राजा है, बहुत दयालु राजा है, यानी अकबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें का वर्णन कर रखा है। और जो अबुल फजल है वह मुस्लिम शासकों की उपलब्धियां नहीं बताता है, बल्कि इस्लाम के बारे में किसी प्रकार का लेखन नहीं करता है, बल्कि अकबर की महानता के बारे में लिखता है, बल्कि अबुल फजल जो है अकबर की महानता की प्रशंसा करता है, उसको न्यायप्रिय राजा बताता है और कहता कि अकबर जो है वह खास तौर से पैगंबर या कह सकते हो कि खास तौर से खुदा का भेजा गया आदमी है, उसमें ईश्वरीय गुण है, अकबर जो करता है उसका जो शासन है जो साम्राज्य है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है और उसको न्यायप्रिय राजा घोषित करता है। कौन? अकबर को। कौन भाई? अबुल फजल बताता है, ठीक है। अबुल फजल अगर मैं बात करूं तो अबुल फजल के जो धार्मिक विचार हैं अगर देखो उदारवादी विचार हैं, अबुल फजल देखोगे तो उसने कट्टर इस्लामिक विचार हमें उसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। अबुल फजल कहता कि राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, बल्कि जनता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके धार्मिक विचार हैं। अबुल फजल की अगर मैं बात करूं तो देखोगे ये जो कुल हैं धार्मिक भेदभाव को नहीं करना चाहिए, अबुल फजल कहता है। अबुल फजल अकबर के बहुत करीबी था, सबको पता है, उसका अकबर के विशिष्ट पक्षपात का लेखन किया। कई सारे लोग इतिहासकार कहते हैं कि जो अबुल फजल हैं वो तो अकबर के समर्थन में लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, बाकी तो चीज़ें लिखते नहीं हैं, एक प्रकार से उनको पक्षपाती भी काफ़ी लोग बताते हैं। उन्होंने पक्षपात किया, किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस्लामिक लेखकों के इस्लामिक बनकर या कुर्म विचारों के खिलाफ था, यानी अबुल फजल के इस्लामिक विचार नहीं है, इस्लामिक विचारों को उसने क्या किया भैया, खंडन किया है, बल्कि उसके उदारवादी विचार हैं। अबुल फजल कहता कि राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए और अपने राज्य में शांति की स्थापना करनी चाहिए, ये कौन कहता? अबुल फजल कहता है। अबुल फजल अगर देखोगे तो सामाजिक स्थिरता की बात करता है, आईने अकबरी में उसने कहा कि सामाजिक अनुबंध पर जोर देना चाहिए और राजा को संप्रभुता का सिद्धांत बताता है और कहता कि जिस प्रकार से जो राजा ही हो इसमें ईश्वरीय गुण है और जो राज्य अधिकार उसी का है, ठीक है, एक प्रकार से पादशाह को बताता है कि जैसे यानी कह सकते हैं कि राजा को न्यायप्रिय बताता है। और अबुल फजल में देखोगे तो धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं है, अकबर को स्थापित करने का प्रयास करता है, अकबर को न्यायप्रिय राजा, श्रेष्ठ राजा या दूरदर्शी राजा बताता है कि अकबर के शासनकाल में आर्थिक समृद्धि है, जनता खुश है, जनता खुशहाल है, समृद्धि है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्रकार की बातें कौन लिखता है? अबुल फजल लिखता है। अबुल फजल की अगर बात करूँ तो अकबर के नौ रत्नों में से एक है अबुल फजल है, ठीक है। अबुल फजल ने अकबर के बारे में जो पूरी लाइफ लिख रखी अकबरनामा में, खासतौर से अकबर के बारे में, फिर अगली उनकी बुक है जो फतवा, अगली जो बुक, दो बुक लिख रखी है, ठीक है, अबुल फजल की जो इम्पोर्टेंट बुकें हैं, खास तौर से अकबरनामा बहुत फेमस हुई है, ठीक है। तो अकबरनामा में अकबर के बारे में सारा लिख रखा है और अबुल फजल जो उसके इस्लामिक विचार नहीं है, वो इस्लाम को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं देता है, बल्कि कहता कि राजा को न्यायप्रिय शासक होना चाहिए, राजा को जनता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए,
न्यायप्रिय शासक की बात करता है और इस्लामिक कट्टरता अबुल फजल में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती है। धर्म परायण है और कहता कि राजा को जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, शांति बनाए रखना चाहिए राजा को, और राजा एक न्यायप्रिय राजा हो, जनता में उसकी क्या एक प्रकार की स्वीकृति होनी चाहिए। और अबुल फजल ये भी कहता है कि जो राजा है वो क्या है, उसमें ईश्वरीय गुण है। एक प्रकार से कहता कि जैसे अकबर को लेकर के कहता कि अकबर जो है उसमें ईश्वरीय गुण है, उसमें परमात्मा के गुण है, यानी अकबर जो है परमात्मा के समान है, वो भी धार्मिक फैसले भी अकबर कर सकता है। खास तौर से अबुल फजल इस बात को कहते हैं, यानी अकबर को अगर देखोगे तो राजत्व को धार्मिक यानी राजत्व का सिद्धांत देता है, यानी जो राजा है परमात्मा का खुदा के द्वारा भेजा गया बंदा है, उसकी बात को कोई मना नहीं कर सकता है। यानी अकबर जो भी फैसले ले रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, वो भगवान की मर्जी है ये कह रहा है, क्योंकि वो क्या है, भगवान का भेजा गया फरिश्ता है, बंदा है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। दैवीय सिद्धांत, कोई भी राजा अगर दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो यही बताने की कोशिश करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान की मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा ही मेरे से ऐसे काम करवा रहे हैं ताकि जनता में उसकी स्वीकृति बने, जनता उसकी बातों को माने, एक्सेप्ट करें। तो अबुल फजल के बारे में आपको यही लिखना पड़ेगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो।